प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हेलो 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 वन टू थ्री माइक चेक। हेलो वन टू थ्री माइक चेक। हेलो वन टू थ्री माइक चेक। हाँ जी गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून जी की हाल चाल। भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या की पूरे बाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या की केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। इस कवि की कल्पना जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आरे जंग की गली की तुम दुहार दो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? ओ बढ़िया हो मैं बता दो। हेलो भाई साहब क्या हाल चाल है? एक बार थोड़ी सी अगर स्माइल पास करके दिखा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हंस दो थोड़ा सा थोड़ा सा। ओ माय गॉड क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सार्थक शिवानी ज्योति संजना श्यान काव्या कुणाल नेहल साक्षी अंकित सर मस्त नाप ले क्या कह ले हो क्या कह ले भाई तू मेरे को निचम्मा जाना क्या कह ले तू। और बताओ कैसा फील हो रहा है आज तुम्हें ऑफिशियली उन 14% बच्चों में आकर आई थिंक मतलब 14-15% रिजल्ट आया है। मतलब पहली बार मेरे को इतना कम रिजल्ट देखने को मिला कि सिर्फ 14,000 बच्चे फाउंडेशन से इंटर में आए। तुम्हें कैसा फील कैसा हो रहा है तुम मतलब तुम्हारे चेहरे पर आज एक अलग सा नूर है। मतलब नो डाउट अर्ली बर्ड बैच के अंदर भी था बट जो आज एक तुम्हारे चेहरे पे रोना कहना वो एक अलग ही है। बच्चा कह रहा है तेरा भाई इंटर में आ गया
फोड़ देंगे। ओ माय गॉड क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये आपको प्राउड फील होना भी चाहिए, मतलब 14,000 बच्चों में आना ये बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स आपने पूरे एफर्ट्स लगाए अपने फाउंडेशन क्लियर करने में, और फाइनली आप सीए इंटर में आ गए। और सीए इंटर में भी ये लगा लो कि तुम्हें इसके 10 टाइम्स मेहनत करनी है, मतलब जो तुमने फाउंडेशन में की थी ना उसके कम से कम 10 टाइम्स तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेंगी, मल्टीपल टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे, मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सबसे मेन बात अच्छे अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर नालायक, बातचीत नहीं करनी, पहली बात सुनो ध्यान से, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा दोस्त बनाने पड़ेंगे, मैंने बोला अच्छे अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कुछ बातें आपको ध्यान में देनी है। और फाइनली आज हमारी ऑफिशियली क्लास नंबर 1 स्टार्ट होने जा रही है रेगुलर बैच की। तो आप में से मेरे को ये बताओ किन किन बच्चों ने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन किया था, एक बार पहले मेरे को बता दो ताकि मेरे को आइडिया थोड़ा सा लग जाए कौन कौन से बच्चे पहले मुझसे मिले हुए हैं जी। एक बार सारे बच्चे ये बता दो किन किन बच्चों ने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन किया था, सिर्फ यस लिख दो, यस सिर्फ यस लिख दो। और जिन्होंने नहीं किया था वो नो लिख दो जी। जिनकी यार पहली पहली क्लास है, जिन्होंने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन नहीं किया था तो वो एक बार नो लिख दो जी। ओके ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे अर्ली बर्ड बैच वाले मुझे यहां पे दिख रहे हैं। ओके कई बच्चे नो वाले भी हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। अब जिन्होंने भी अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन नहीं किया तो टेंशन मत ले, आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। मैं ये समझूंगा नहीं कि आपने कभी अर्ली बर्ड बैच मेरा देखा भी था, मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। बट ऑफिशियली आज से हमारी क्लास नंबर 1 स्टार्ट होने जा रही है। अर्ली बर्ड बैच में अप्रोक्सीमेट हमारी 13-14 क्लासेस हुई थी, उसमें हमने जीएसटी अपना स्टार्ट किया था और जीएसटी का एक चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया था। बट अगेन मैं दोबारा से बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलेंगे और बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। बस एक छोटा सा वादा कर रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारा टैक्स का बैच खत्म होगा, जिस दिन तुम्हारा टैक्स का बैच खत्म होगा ना, तो ना खून टेस्ट करवा लेना, अंदर से तुम्हारे टैक्स से निकलेगा, इतना मेरा वादा है। तुम हैरान हो जाओगे भाई साहब, तुम्हारे खून का कलर नहीं चेंज कर दिया ना, मैं कह रहा हूं पढ़ाने का फिर फायदा नहीं है, ठीक है जी। बस आपने बस एक काम करना है, डेली आपने यहां पे आके बैठ जाना है, सिर्फ आपने 3-3.25 घंटे मेरे को देने हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। घर जाके सिर्फ आपने आधा पौना घंटा रिवाइज करना है, जब मैं कभी होमवर्क दूंगा वो होमवर्क क्वेश्चन घर से करके आने हैं। सारे प्रोविजन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत डेप्थ लेवल पे डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट का लॉजिक तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें पढ़ने का मजा आएगा, इतना मेरा तुमसे वादा है जी, ठीक है जी। चलो हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो आईडीटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ताकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली बार मेरे को देख रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार मेरे को देख रहे हैं तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है सीए विवेक गाबा। मैं आपको टैक्सेशन पढ़ाऊंगा, डीटी और आईडीटी दोनों मैं पढ़ाऊंगा, और 20 साल की एज में मैंने अपनी सीए कंप्लीट की थी भगवान की दया से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से। और मैं 11 साल से टैक्स ही पढ़ा रहा हूँ पिछले, और अगर आप YouTube पे सर्च करोगे थोड़ा बहुत मेरे बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। और एक मेरी जीएसटी की रिवीजन क्लास मैंने स्टार्टिंग में ली थी, जब जीएसटी आया आया था, उस वीडियो को 1.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और जो स्टॉक पे मेरा इंटरव्यू भी आप वहां पे देख सकते हो, अगर आपको कभी थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होना है। बाकी हाँ, तेजस सर और एमवी सर, दीपिका मैम, आईडी सर, पीपी सर, इनको मैं शुक्रिया बोलता हूं कि अब मैं अल्टीमेट सीए की टीम के साथ मोस्ट डेडिकेटेड तरीके से आप सबको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। बिलीव में आपको मजा आ जाएगा टेक्स्ट के अंदर, इतना मेरा आपसे वादा है जी, ठीक है जी। बुक्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो जी। हेलो भाई साहब, बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। बुक्स आपके 7 to 8 डेज के अंदर बुक्स आपके पास सारी आ जाएंगी टैक्सेशन की, तो बुक्स की टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब एक बार फाइनली हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब एक बार फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपका टेक्स्ट का जो पेपर है वो किस किस तरह से हमें करना है, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे देख लो। अच्छा ये सारी बातें तो आपको पता लग चुकी होंगी, जो बच्चे भी फाउंडेशन से इंटर में आई थिंक सुबह तेजस सर की क्लास थी, फिर आपकी दीपिका मैम या आईडी सर की क्लास होगी, फिर पीपी सर की अर्ली बर्ड बैच की क्लासेस होंगी। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं से ये बातें तो आपको पता लग चुकी होंगी कि सीए इंटर में टोटल मिला के 6 पेपर आपको देने हैं, और 6 पेपर में 2 ग्रुप हैं, तो ग्रुप नंबर 1 है और एक ग्रुप नंबर 2 है। इतना बेसिक आइडिया आपको पता लग चुका होगा। अच्छा ग्रुप नंबर 1 में, हाँ जी भाई साहब,
ग्रुप नंबर वन में कितने पेपर हैं? तीन पेपर हैं, और ग्रुप नंबर टू में भी कितने पेपर हैं? तीन पेपर हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर वन अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर जैसे ही ग्रुप नंबर वन कंप्लीट करेंगे, ग्रुप नंबर वन के बाद फिर हम ग्रुप नंबर टू स्टार्ट करेंगे। तो पहले ग्रुप नंबर वन के बैचेस होंगे, फिर ग्रुप नंबर वन जहां पे खत्म होगा फिर हमारे ग्रुप नंबर टू के बैचेस होंगे। ग्रुप नंबर वन अगर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 10-15 नवंबर तक हमारा ग्रुप नंबर वन खत्म हो जाएगा, देन फिर ग्रुप नंबर टू आपका स्टार्ट होगा, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, ग्रुप नंबर वन में टोटल तीन पेपर हैं, आपको आइडिया लग चुका है। अब वो तीन पेपर के नाम बोलना, नाम कौन कौन से हैं? पेपर नंबर वन आपका एडवांस अकाउंट्स का, पेपर नंबर टू आपका वही कॉर्पोरेट्स एंड अदर लॉज का हो गया, और पेपर नंबर थ्री जो है दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर, वो आपका टैक्सेशन का है जी। अब मैं इतना तो कॉन्फिडेंस हूं कि आपने 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, या आपने कॉलेज हो गया, आई थिंक कॉलेज में फिर भी आपने थोड़ा बहुत टैक्स पढ़ा होगा, बट 11th 12th में कहीं पर भी टैक्स आपने पढ़ा नहीं होगा, इवन सीए फाउंडेशन लेवल पर भी टैक्स की नॉलेज आपको होगी नहीं, थोड़ा बहुत इको के अंदर जीएसटी के बारे में कुछ अगर आपने सुना होगा तो सुना होगा, अदरवाइज बिल्कुल नया पेपर है। तो पहली बात यह समझ लो कि पेपर नंबर आपका ग्रुप नंबर वन जो है, ग्रुप नंबर वन का जो पेपर नंबर थ्री जो है ना, वो हमारा पेपर टैक्सेशन का है जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं अब टैक्सेशन की बात करता हूं ना, तो टैक्सेशन में आपके सिलेबस में दो टैक्स हमें कवर करने हैं, एक तो हमारे सिलेबस में जो है, एक तो हमारा है डायरेक्ट टैक्स, एंड सेकंड जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अरे पेपर हमारा कितने नंबर का है? पेपर हमारा 100 मार्क्स का नंबर होगा। अब 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का जो है वो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है, और 50 मार्क्स का जो है वो हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब पहले अगर मैं बात करता हूँ ओल्ड सिलेबस की बात करता हूँ ना, तो ओल्ड सिलेबस में क्या था, 60-40 का था, मतलब 60 मार्क्स का डीटी था, 40 मार्क्स का आईडीटी था, बट इन्होंने न्यू सिलेबस में क्या कर दिया, न्यू सिलेबस में 50 मार्क्स का कर दिया डीटी और 50 मार्क्स कर दिया आईडीटी, तो मतलब दोनों की वेटेज बराबर है, और दोनों की वेटेज तो बराबर है, बट आपको बता दूं दोनों की वेटेज बराबर होने से लेक्चर्स में बहुत सारा फर्क है। मतलब जो लेक्चर हमारे जीएसटी में लगेंगे अप्रोक्सीमेट डबल लेक्चर आपके डीटी में लगेंगे, बट दोनों की वेटेज जो है, दोनों की वेटेज बिल्कुल इक्वल है। मतलब आप ये बात मान के चलो कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे 35 से 40 लेक्चर या 40 लेक्चर अगर मेरे जीएसटी में लग रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट 60 लेक्चर जो मेरे एप्लीकेबल होंगे वो डीटी में एप्लीकेबल होंगे। तो मतलब डीटी थोड़ा सा वाइड है, वेटेज दोनों की बराबर है, बट डीटी थोड़ा सा वाइड है, जीएसटी थोड़ा सा कम है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आईडीटी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीटी, तो इस तरह से हमारा फ्लो रहेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। अच्छा, पेपर का पैटर्न क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा पैटर्न बताऊं, अब अगर पेपर के पैटर्न की बात करता हूं ना, तो पेपर का पैटर्न एक बार समझना, पेपर जो है आप सब जानते हो, पेपर हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। मतलब पेपर के दो पैटर्न है, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिक्स क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर बनेंगे। आप सबको बताए कि रेशियो जो है वो रेशियो हमारी 70 और 30 की है, मतलब 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहने को है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बनेंगे, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसको हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब क्या है, कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिया होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आंसर ढूंढने होंगे, फिर हमें आंसर करना होगा, उसको हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। एक बात मेरे को बताओ, याद करो 11th 12th के अंदर आपने वो एसे वाले नहीं काम किए थे, याद है वो, आपने 11th 12th में इंग्लिश में एक एसे आता था, अब उस एसे को पढ़ते थे, उस एसे में से फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, सेम यहां पर भी है, ठीक है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज को मतलब होता है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बेस पे एमसीक्यूज होंगे, फिर वो सॉल्व करने है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं उसको एमसीक्यूज नहीं कहता, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एमसीक्यूज सोल्व कर पाऊंगा, तो ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। अच्छा, अब 50 मार्क्स का मैंने क्या बोला कि डीटी है, और 50 मार्क्स का मैंने क्या बोला कि आपका आईडीटी है। अब जो पेपर हमारा डीटी का है, उसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो होता है इनकम टैक्स और सेकंड होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पोर्शन है ना, वो सीए फाइनल में है, मतलब वो मैं सीए फाइनल के अंदर पढ़ना है, वो हमारे सीए इंटर में किसी काम का नहीं है, हमारे सीए इंटर में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स है, और वो भी 50 मार्क्स का है, मतलब जो हमें पढ़ना है 50 नंबर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स है। मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मेन मेन बातें होंगी वो सारी के सारी 50 मार्क्स में कवर हो जाएंगी, तो 50 मार्क्स में जो हमें डिस्कस करना है वो इनकम टैक्स डिस्कस करना है, बस ये पर ध्यान दो। सेम आईडीटी के अंदर भी दो टैक्स होते हैं, एक होता है जीएसटी और एक होता है कस्टम। कस्टम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे, इंटर लेवल पे हमारे सिर्फ जीएसटी है 50 मार्क्स का, तो जो भी हमें कवर करना है वो सिर्फ इंटर लेवल पे जीएसटी हमें कवर करना है, कस्टम हमारे सिलेबस में किसी भी काम का नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो भाई साहब,
ओए ओए इधर, पक्का पक्का ना, तुम्हें को एक बार फटाफट से बोल दो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। पेपर नंबर थ्री ग्रुप नंबर वन का नाम क्या है बोलते रहा करो फटाफट से, नाम क्या है? टैक्सेशन। कितने पार्ट हैं? दो। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पेपर कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का। पेपर कैसे बनेगा? सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज दोनों बनेंगे। 70 और 30 की रेशो होगी, ठीक है। 70 मार्क्स क्या बनेंगे? डिस्क्रिप्टिव। और 30 मार्क्स क्या बनेंगे? एमसीक्यूज नहीं, केस स्टडी बेस एमसीक्यूज। मतलब पहले बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना होगा, उसके बेस पे एमसीक्यूज होंगे, सिंगल लाइन वाले एमसीक्यूज नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। फिर मैंने बोला कि 100 नंबर में बाइफर्केशन क्या है? दो बाइफर्केशन, डीटी और आईडीटी। डीटी कितने नंबर का है? 50। आईडीटी कितने नंबर का है? 50। अब डीटी में दो टैक्स होंगे, कौन कौन से? एक तो होगा इनकम टैक्स और एक कौन सा होगा? इंटरनेशनल टैक्सेशन। सीए फाइनल में इंटरनेशनल टैक्सेशन डिस्कस करेंगे, सीए इंटर लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स 50 नंबर में कवर करना है, बस ये पर ध्यान दो। सेम फिर आईडीटी में दो टॉपिक हमें कवर करने हैं, जीएसटी और कस्टम। कस्टम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे, अभी सीए इंटर लेवल पर जीएसटी हमें डिस्कस करना है, वेटेज होगी वो 50 नंबर की होगी। तो ये कंप्लीट आपका यहां पर निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पूरी की पूरी कवरेज है कि जो हमारे सीए इंटर लेवल पर पेपर हमारा टैक्सेशन का है वो किस तरह से हमारा फ्लो करेगा आपके सामने है जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या है? सुभाष। अब सुभाष मुझे कह रहा है, कहता है गाबा सर। मैंने कहा हां। कह रहा सर एक बात मेरे को बताओ, जैसे आपने बोला कि 50 नंबर का इनकम टैक्स और 50 नंबर का जीएसटी है, तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि 50 नंबर का इनकम टैक्स जो हमें पढ़ने को मिलेगा, तो ऐसा हमें इनकम टैक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा? सर थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट है, मतलब पापा भी पूछ रहे हैं कि बेटे यहां से तेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि पापा को भी एक उम्मीद है कि बच्चा कल से इनकम टैक्स के बारे में हमें ज्ञान देगा, जीएसटी के बारे में ज्ञान देगा। तो पापा के अंदर भी एक्साइटमेंट है और मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि 50 नंबर में ऐसा हमें इनकम टैक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा। भाई नाम तो बिल्कुल छोटा सा है इनकम टैक्स, बट 50 मार्क्स का पेपर है, तो 50 मार्क्स में ऐसा हमें क्या पढ़ने को मिलेगा इनकम टैक्स में? और सेम क्वेश्चन सर जीएसटी का आ रहा है, भाई जीएसटी में 50 नंबर में है क्या? सर जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें बिल मिलते हैं, उस बिल में जीएसटी लगा होता है, हम जीएसटी देख लेते हैं, तो इसमें 50 नंबर का क्या है? हेलो ओए ओ गाबे, ओए गाबे सर इधर। कि 50 नंबर का हमें करना क्या है? भाई बिल में 50 नंबर का अगर मान लो जीएसटी यहां पे लगा हुआ है, तो 50 नंबर का जीएसटी में क्या सीखने को मिलेगा? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, एक बार सारे बच्चे को आंसर देना। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे किसी का इनकम टैक्स निकालना है, तो अपने आप बोल दो, अगर मेरे को किसी का इनकम टैक्स निकालना है, तो इनकम टैक्स निकालने के लिए तुम्हें कौन कौन सी चीजें चाहिए, बस ये बता दो जी। सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, अगर तुम्हें किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है, तो इनकम टैक्स निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ। अभी छोड़ो, अभी ये छोड़ो, हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया, अभी चैप्टर हमने कोई भी स्टार्ट नहीं किया, एक बेसिक बात पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें किसी का इनकम टैक्स निकालना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए जी बताओ। बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा है सर सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी का भी इनकम टैक्स निकालना है तो एक तो मुझे चाहिए इनकम। चलो अच्छा, खाली इनकम से इनकम टैक्स निकल जाएगा? मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, लो निकाल दो इनकम टैक्स, निकालो। हेलो क्या हो गया भाई, निकाल। मैं ये कहने लग रहा हूं कि अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए की है, तो इनकम बताने से क्या इनकम टैक्स निकल जाएगा क्या? आंसर इज नो। तो इनकम बताने से नहीं निकलेगा, तो इनकम के साथ में क्या चाहिए होंगे? रेट चाहिए होंगे। अच्छा अगर मैं इनकम को रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या तुम कह सकते हो कि इनकम टैक्स आ जाएगा? सोच के बोला, अगर मैं इनकम को रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहना इससे यहां पे इनकम टैक्स आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर मान लो मैं इनकम को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा इनकम टैक्स आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन की इनकम 10 लाख रुपए है, और मैंने कहा 10 लाख की इनकम पे 10% टैक्स लगेगा, तो उस पर्सन का इनकम टैक्स आ गया 1 लाख रुपए का। कितनी सिंपल सी बात है भाई, कितनी सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे सामने इनकम टैक्स आएगा। अब क्वेश्चन है, ये इनकम टैक्स 50 नंबर का है, तो बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स 50 नंबर का है, तो ऐसा इसमें 50 नंबर का क्या है? मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, सोच के बताना। हेलो भाई साहब सुनो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास बस इतना सा क्वेश्चन है कि इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स आएगा, इन दोनों में से क्या निकालना आसान है? इनकम निकालना आसान है या रेट निकालना आसान है बताओ? सारे बच्चे बताओ, इन दोनों में से क्या निकालना आसान है? मतलब इनकम निकालना आसान है या रेट निकालना आसान है जी बताओ? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, फटाफट से जी, इनकम निकालना आसान है या रेट निकालना आसान है?
बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रेट निकालना आसान है, एक बच्चा कह रहा है इनकम निकालना आसान है, केशव कह रहा है इनकम निकालना आसान है, और जितने बच्चे भी कह रहे हैं रेट, तो वो सारे के सारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, बिल्कुल सही आपने बोला, रेट निकालना आसान है, इवन रेट निकालना आसान नहीं है, रेट तो फिक्स है भाई। मतलब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रेट हमें दे रखे हैं, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती है अगर ये तुम्हारी इनकम है ना उस इनकम पे ये रेट ऑफ इनकम टैक्स लगेगा, तो रेट का तो कलेश ही खत्म है। मतलब रेट तो हमें चेक ही नहीं करने। जैसे मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को आइडिया, कितने बच्चों को आइडिया नहीं है, अभी एक फरवरी कह रहा हूं, अभी आई थिंक 23 जुलाई को हमारा बजट आया। अरे किस किस को आइडिया 23 जुलाई को हमारा बजट आया जी, एक बार थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बताना किस किस को आइडिया है कि 23 जुलाई को हमारा बजट आया था जी, एक बार हैंड रेस कर दो जी। किस किस को आइडिया है कि 23 जुलाई को हमारा बजट आया था, एक बार हैंड रेस करो जी, सबको आइडिया। अच्छा आपने कुछ बजट के बारे में सुना, थोड़ा सा आप मेरे को ज्ञान दे सकते हो कि अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया होगा भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आया होगा ना कि हाँ सर सर हम अपना अब क्या नाम है, अब हम सीए इंटर के अंदर भी आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत न्यूज में आपने सुना भी होगा, तो कुछ न्यूज आपने सुनी कि बजट में क्या आया, कुछ थोड़ा बहुत न्यूज आपने सुनी कि बजट में क्या आया जी, बता सकते मेरे को बजट में क्या आया जी, अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज सुनी हो, स्लैब रेट चेंज हो गए, बहुत बढ़िया स्लैब रेट चेंज हो गए, इंडेक्सेशन हटा दिया, ओ माय गॉड 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स नील हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स इंक्रीज हो गया, क्या बात है भाई सर, क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें टैक्स। तेरे सर मुझे सुबह सुबह कह रहे थे गाबा सर आपका टैक्स पढ़ाने का मन कर रहा है, मैं कहा मन तो नहीं है, ये सारे इन बच्चों को सर देखो, ओ माय गॉड लॉन्ग टर्म कैपिटल, इतने इतने हैवी हैवी वर्ड तुम यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन भाई साहब, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंडेक्सेशन, ओ भाई मेरे, बट मेरे बच्चों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे बैंगनी, मेरे कटहल कलर के बच्चों, तुम्हें पता है इसमें से कुछ भी नहीं है, ये तुमने बस न्यूज में देखा है कस्टम ड्यूटी कम हो गई, इंडेक्सेशन खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट बढ़ गया, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, बट उसका आइडिया तुम्हें नहीं है, बट फिर भी खुशी की बात है कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत ये तुम जो लिख पा रहे हो ना, कम से कम तुमने थोड़ा बहुत बजट सुना है या कहीं से सुन के तुम यहाँ पे लिख पा रहे हो। बट अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है कि इस बार सीतारमन जी ने टैक्स रेट में ना थोड़ा बहुत चेंज किया, आपको मैं इस बार की बजट स्पीच दिखाता हूं, अगर मैं इस बार की बजट स्पीच दिखाऊं तो थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखना, मैं आपके सामने यहां पे इस बार की बजट स्पीच 2024 ये आपके सामने है जी, तो बजट स्पीच 2024 जो है ना देखो ये रहा, ये इस बार की बजट स्पीच है, अगर आपको यहां पे दिख रहा हो जी, तो इस बार की जो बजट स्पीच आपके सामने मैंने यहां पे खोली है, तो सीतारमन जी ने क्या कहा एक बार चेक करना, तो सीतारमन जी ने कहा जी यहां पे कुछ उन्होंने नए रिजिम में टैक्स रेट बताए हैं, कह रहे 3 लाख तक की इनकम पर 0, फिर 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर की होगी उस केस में 30% रेट होगा जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर फोकस बैच का बताओ, फोकस बैच का मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे एक ऑडियो बना के डाली थी कि कमिंग मतलब इसी वीक के अंदर मैं एक लंबी क्लास दूंगा जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तब तक एक बार आप मैराथन कंप्लीट कर लो जीएसटी और इनकम टैक्स की, तो क्वेश्चन का मैं एक लंबा सेशन लेके उसमें क्वेश्चन फाइनल करवा दूंगा मैं आपके। चलो मेरे को सारे बच्चे एक बार आंसर दो, अब ये जो उन्होंने रेट बताए, पहला मेरा क्वेश्चन है क्या ये रेट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये एज्यूम करके बैठा हूं कि सारे बच्चों का मई 25 में एग्जाम है या सितंबर 25 में एग्जाम है, तो क्या ये बजट की अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है या नहीं है बताओ जी, क्या ये बजट की अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या ये हमें पढ़ने या नहीं पढ़ने जी, क्या ये बजट हमारे किसी काम का है या नहीं है, जल्दी बोल दो फटाफट से जी, क्या ये बजट हमारे किसी काम का है नहीं है, 100% हमारे काम का भाई, 100% ये बजट हमारे काम का है, सिंगल सिंगल अमेंडमेंट हमें क्लास में डिस्कस करनी है, इस बजट में जो भी टैक्स में चेंज आए हमारे काम के, तो ये समझ लो इस बार टैक्स में कई सारे चेंज आए हैं भाई, इस बार टैक्स में कई सारे चेंज आए हैं, और छोटे मोटे चेंज नहीं है, खतरनाक चेंज है, मतलब एक होता है छोटे मोटे चेंज हो गए नहीं हो नहीं हो, बट इस बार जो भी अमेंडमेंट आई है बहुत बढ़िया आई है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं अभी ये बिल है, अभी ये बिल है, जब ये फाइनेंस एक्ट बनेगा
उसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या एप्लीकेबल होंगी वही हमारे इस एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। अभी ये बिल है, पार्लियामेंट के हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर ये फाइनेंस एक्ट बनेगा, फिर फाइनेंस एक्ट हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। और आपको मैंने पहले भी कहा था, जो भी बुक्स मैंने आपको भेजी है उसमें मैंने फाइनेंस बिल साथ में अटैच कर दी है, फाइनेंस एक्ट अभी बना नहीं है तो ऑलमोस्ट सेम आता है, तो जो भी अमेंडमेंट्स होंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे, सिंगल अमेंडमेंट भी आपको अलग से देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये आपके सामने यहां पे टैक्स रेट यहां पे लिखे हुए हैं कि अगर इनकम 3 लाख तक है तो नील है, 3 लाख से लेके 7 लाख तक है 5% है, 7 लाख से लेके 10 लाख तक है 10% है, 10 लाख से लेके 12 लाख तक है तो 15% है, फिर 12 से 15 तक 20% है, और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उसके 30% होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इस केस में क्या तुमसे गवर्नमेंट रेट निकलवा रही है या रेट तुम्हें बता रही है? मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, गवर्नमेंट तुम्हें क्या कर रही है, मतलब गवर्नमेंट तुम्हें रेट बता रही है या रेट तुमसे निकलवा रही है, मतलब क्या गवर्नमेंट रेट निकालने को बोल रही है या रेट तुम्हें बता रही है? गवर्नमेंट रेट बता रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, हेलो भाई साहब ओए सुन, अगर तेरी इनकम 3 लाख तक है तो ये रेट है, अगर तेरी इनकम 3 लाख से ऊपर है 7 लाख तक है ये रेट है, अगर तेरी इनकम 7 लाख से ऊपर है 10 लाख तक है ये रेट है, अगर तेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है 12 लाख तक है तो ये रेट है, और अगर तेरी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी सॉरी 15 लाख से ऊपर होगी तो ये रेट होगा। तो रेट हम बताने की बात कर रहे हैं, रेट निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। अब सोच के बोलना, रेट गवर्नमेंट ने बता दी है, भाई साहब ओए सुन, रेट गवर्नमेंट ने बता दी है। अब सोच के बोलो, रेट गवर्नमेंट ने बता दी है तो फिर निकालने के लिए क्या रह गया बताओ? सच्ची सच्ची बोलना, रेट गवर्नमेंट ने बता दी है तो निकालने के लिए क्या रह गया? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, रेट गवर्नमेंट ने बता दिए तो निकालने के लिए क्या रह गया? अब निकालने के लिए रेट रह गया या निकालने के लिए इनकम रह गई? तो निकालने के लिए रह गई इनकम। तो 50 नंबर में हमें यही डिस्कस करना है कि इनकम कैसे निकालनी है, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इनकम टैक्स में है ना, दैट इज हाउ टू कंप्यूट इनकम, कि इनकम निकालनी हमें कैसे है, क्योंकि अगर इनकम निकल गई, जिस दिन इनकम निकलनी हमें आ गई ना, उस दिन हमारा टैक्स खत्म हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो पहली बात ये समझो, 50 नंबर में रेट नहीं हमें सीखने, रेट तो फिक्स है, रेट में कोई क्लेश ही नहीं है, रेट तो गवर्नमेंट कह रही है इतनी इनकम होगी ये रेट लगेगा तो काम भी खत्म, तो रेट तो मुद्दा ही नहीं है। मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि ये इनकम हमें कैसे निकालनी है, किस तरह से इनकम कंप्यूट करेंगे, तो वो सारी बातें 50 नंबर के अंदर होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा एक बात और कह रहा है, कह रहा है गाबा सर एक बात बताओ, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने बोला इनकम निकालनी है, इनकम निकालनी है, इनकम निकालनी है, इनकम निकालने में है क्या इनकम निकालने में? भाई सिंपल सी बात है, जैसे हमने आपको फीस पे की है तो अल्टीमेट सीए पे हमने बोथ ग्रुप का पैकेज लिया, बोथ ग्रुप 39,000 रुपए का लिया, तो आपके पास 39,000 रुपए आए तो 39,000 रुपए आपकी इनकम हो गई। और अगर हम कैलकुलेशन करें, फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स की फीस मान लो 9,000 है, तो 9,000 इस टाइम मान लो 220 बच्चा लाइव बैठा है, तो 9,000 मल्टीप्लाई 220, तो आपकी 20 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेट इनकम हो गई। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, ये जो तुमने 20 लाख रुपए की मेरी इनकम निकाल ली है, मतलब 20 लाख रुपए की जो मेरी इनकम निकाल ली है, कि मान लो 220 बच्चा मल्टीप्लाई 9,000 पे 20 लाख रुपए की मेरी इनकम तुम निकाल रहे हो, क्या सोच के बोलना क्या मेरी इनकम है, क्या ये मेरी इनकम है क्या, मतलब क्या ये मैं कह सकता हूं कि मेरी इनकम है? बट प्रॉब्लम क्या, तुम तो यही कैलकुलेट करते हो, तुम तो यही देखते हो कि कौन सा टीचर कितना कमा रहा है, तुम्हारी आंखें उसी में दर्द हो जाती हैं, तुम्हारी आंखें तो इसी में दर्द हो जाती हैं, तुम कहते हो अच्छा ओ भाई साहब 3,000 क्लासेस बेची, 3,000 मल्टीप्लाई 6,000 पे फीस, ओ भाई मेरे 1,80,00,000 रुपए, भाई मोटा छाप रहा है यार, भाई मोटा छाप रहा है। अब तुम प्रॉब्लम क्या है, जो तुम ये कह रहे हो 1,80,00,000 रुपए, तो भाई ये मेरी टोटल सेल है उसकी, ये जो तुमने कैलकुलेट किया ना वो इनकम कैलकुलेट नहीं की, ये तुमने टर्नओवर कैलकुलेट किया उसकी। अब सोच के बताओ सर, इसमें खर्चे भी तो होंगी, अब मेरी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तेजस सर इज कमिंग, हाँ तो सही बात है भाई, तेजस सर की तो इनकम बहुत सारी है, उनकी इनकम कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं आती, कैलकुलेटर भी एक लिमिट तक जा सकता है, उसके बाद तो कैलकुलेटर भी कहते हैं सॉरी, तेजस सर के लिए कुछ आपको बड़ा कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा। क्यों तेजस सर? तो देखो वही, अब गाबा सर की एनुअल टर्नओवर इज 180 करोड़, तो देखो वो सबको पता है,
अब छुपाने से कोई छुपता नहीं है सर, देखो सिंपल सी बात है। अब ये आज मेरे से पढ़ना स्टार्ट हुए हैं तो इनको बताऊंगा सरचार्ज क्यों आया, इनको बताऊंगा सेस क्यों आया। रिबेट तो हम जैसे लोगों के लिए आई, ये जो रिबेट कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने सुना है, ये छूट मिलती है गरीबों को, छूट मिलती है, तो वो तो हम जैसे लोगों के लिए आई। एक्चुअल में इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कहती है जो इनकम ज्यादा कमाएगा सरचार्ज पे करेगा, सेस पे करेगा। तो ये तेजस सर जो यहां पे आए हुए हैं, तो मैं बता दूं ये कई सारे कॉन्सेप्ट तो तेजस सर की वजह से आए हैं, बट हम धीरे धीरे सीखेंगे उस बात को। तो वापिस आओ, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1,80,00,000 रुपए की है, तो क्या ये 1,80,00,000 रुपए की इनकम है? आंसर इज नो। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या बुक्स नहीं है जी? बेटा मेरे बारे में दिए गए एग्जम्पशंस का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब कुछ भी कहते रहो तेजस सर, बच्चों को सब पता है सर, बच्चा आजकल बहुत तेज है, उसको सब पता है कि आप कितना छाप रहे हो। एक बार की बात मैं तुम्हें बता दूं, तेजस जैसे हम तो कहा, जैसे हम तो यार हम तो गरीब हो गए, मान लो मिडिल, हम मान तो हम बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे अगर 500 रुपए का नोट गिर गया तो हम तो फैल जाते हैं, 10 रुपए का नोट गिर गया फैल जाते हैं। एक बार तेरे सर का नोट गिर गया 500 का, मैं कहा सर नोट गिर गया, कह रहा उठा लो, मैं कहा सर नोट गिर गया 500 का, कह रहे इतने में उठाऊंगा, इतने में तो 1,000 कमा नहीं लूंगा। आप बातें समझ पा रहे हो किस लेवल की, मतलब 500 रुपए का नोट उठाने के पैसे नहीं है साहब, और हम तो या तो फाड़ दे फैल जाते हैं, हम तो 10 रुपए का नोट भी हमारा गिर जाए। छोड़ो धीरे धीरे बातें बताऊंगा मैं, वापिस आओ इधर। तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो ये है वो इनकम नहीं है, इनकम हमें निकालनी पड़ेगी। तो इनकम हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन बस मेरा ये निकल के आ रहा है, अगर तुम कह रहे हो कि मेरी इनकम इतनी है तो मेरी बुक्स की कॉस्ट भी तो है, अब स्टाफ के खर्चे भी तो हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, रेंट भी है, कैमरा भी लगा हुआ है, और कई सारे और भी खर्चे हैं, तो वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो मेरी इनकम निकल कर आएगी ना, उस इनकम पर इनकम टैक्स की बात होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इनकम टैक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है हाउ टू कंप्यूट इनकम। तो मेरी बात को समझना, जो 50 नंबर में हमें इनकम टैक्स पढ़ना है वो यही हमें पढ़ना है कि इनकम हमें निकालनी कैसे है, इनकम को किस तरह से कंप्यूट करना है सर, बहुत बड़ा मैटर है। चलो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं जी, मैं तुम्हें अब एक बात और बताता हूं, अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत तो नहीं कहूंगा, तेरे सर सामने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, और अकाउंट्स के मास्टर, अकाउंट्स के किंग, अकाउंट्स के सर्वज्ञानी अभी चैट के अंदर थे, मुझे नहीं पता वो इस टाइम चैट देख रहे नहीं देख रहे, बट उनसे बेस्ट अकाउंट्स कोई नहीं पढ़ा सकता। तो मैं बस एक बात आपसे जानना चाहता हूं, तो जो आपने थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा है, याद है अकाउंट्स में आपने तीन रूल पढ़े हैं, तीन रूल होते हैं, थोड़ा बहुत बता पाओगे तीन रूल कौन से होते हैं? हाँ तीन रूल, तीन रूल, तीन रूल होते हैं अपना, बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो यार, बोला करो, तीन रूल कौन कौन से होते हैं? एक तो रियल अकाउंट, एक पर्सनल और एक नॉमिनल। बहुत बढ़िया, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो तीन गोल्डन रूल होते हैं रियल, पर्सनल, नॉमिनल, आप मेरे को बताओगे रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? सारे बच्चे बोलने की कोशिश करो, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का जी, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? सारे बच्चे बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। एक बार दोबारा बोलो, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अच्छा पर्सनल क्या कहता है? पर्सनल, अगर मैं बात करूंगा पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल क्या कहता है? पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल ये बात कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नहीं यार मेरी बात समझ में यार, भाई पर्सनल ये बात कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और फिर आता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बात कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मैं एक बार फिर बोलूंगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, वो ये बात कहता है नॉमिनल। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पहली पहली क्लास है, बुरा मत मानना, देखो ये हम एक परिवार में बंद चुके हैं, ध्यान रखना। हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी इधर, हम एक परिवार में बंद चुके हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे डोर हमारी पक्की होती रहेगी, 3 महीने के बाद ये डोर हमारी टूटने की उस पे होगी, मतलब टूटने का मतलब होगा बैच हमारा खत्म होगा। बट बुरा मत मानना मेरी बातों का, मैं नालायक बीच में बहुत बार बोलूंगा आपको, आप हो नालायक, बट मेरी क्लास में अगर सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा बता सकता है, अकाउंट्स में जो हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं वो किस बेस पे बनाते हैं जी?
याद करो, अकाउंट्स में जो पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं वो एज पर नॉमिनल अकाउंट बना रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बात कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये बात बोलता है नॉमिनल अकाउंट। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अकाउंट्स वाले कहते हैं ये तुम्हारा पीएनएल है, तो यहां पे क्या करो, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, और यही फिर कहता है क्रेडिट, ठीक है जी, ऑल द इनकम एंड गेन्स, मतलब वो ये बात कह रहा है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये बात कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, किस किस को याद है आपने अकाउंट्स में डेबिट किया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपने डेबिट किया होगा। यहां पे हम लिखते थे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट करते थे, फिर यहां पे हम कई बार बोनस पेबल पेबल खर्चे भी डेबिट करते थे अकाउंट्स में, फिर हम यहां पे कई बार डेबिट करते थे टू डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड वाला डेबिट करते थे, फिर अगर बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर हम क्रेडिट करते थे, किसी कंपनी से डिविडेंट आ रहा है तो डिविडेंड की इनकम को क्रेडिट करते थे। बोलो हाँ, बोलते रहो, हाँ हाँ बोलते रहो। हेलो ओए ओए, क्या भाई क्या, इधर देख लो यार नालायक। तो हम क्या करते थे, इनकम इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंट हो गया, या कोई भी इनकम हो गई, हम यहां पे क्रेडिट करते थे। अब सुनो, अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा है, मेरे बात कान खोल के सुनना, अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा है, मतलब अकाउंट्स वाले कहते हैं सारे खर्चे डेबिट कर दो, सारी इनकम क्रेडिट कर दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, हमारे इनकम टैक्स में ये होता ही नहीं है, हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड होते हैं, हम जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम सारी की सारी इनकम एक जगह पर लेकर नहीं जाते, बस ये पर ध्यान दो। अकाउंट्स वाले कह रहे हैं क्रेडिट क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि होता होगा अकाउंट्स में, हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, हमारे इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड होते हैं, मतलब या तुम्हारी इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, या तुम्हारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, या तुम्हारी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, या तुम्हारी इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, और या तुम्हारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब मुझे नहीं पता आप में से काफी सारे बच्चों ने सुना हो या नहीं सुना कि इनकम टैक्स में सैलरी हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन, अभी तुमने क्या बोला कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ गया, ये वर्ड तुमने कभी अकाउंट्स में सुना है, और अगर सुना है तो वो इनकम टैक्स से आया है। आपने कभी सैलरी वर्ड सुना हो, हाउस प्रॉपर्टी वर्ड सुना हो, लोटरी बैटिंग गैम्बलिंग, तो ये सारी के सारी अदर सोर्स की इनकम होती है। तो जो ये तुमने सुना कि इंडेक्सेशन खत्म हो गया, तो भाई अकाउंट्स में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं था, जो इंडेक्सेशन करते थे वो कहां करते थे, इनकम टैक्स में करते थे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स की दुनिया बहुत अलग है, 36 का आंकड़ा है। तुम तेजस सर को यह मत बोल देना कि आपने गलत पढ़ाया, तुम मुझे यह मत बोल देना कि सर आपने गलत पढ़ाया, वो जो पढ़ा रहे हैं वो एज पर कंपनी एक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं एज पर इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं, दोनों के पढ़ाने के तरीके में फर्क हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी एक्ट फॉलो कर रहे हैं, मैं इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहा हूं, बात मेरी समझना। तो सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं कि अरे इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, अब सोच के बोलो सैलरी हेड है, हाँ जी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स। एक बार दोबारा बोलो 5 हेड कौन कौन से हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, फिर अगला कौन सा हो गया, अदर सोर्स, ये 5 हेड निकल के आते हैं। सोच के बताओ जब इनकम टैक्स में 5 हेड होंगे तो क्या इनकम निकालना आसान होगा क्या, जल्दी बताओ, जब इनकम टैक्स में 5 हेड होंगे तो क्या इनकम निकालना आसान होगा क्या, सर इनकम निकालना आसान होगा क्या, ऐसे ही आज 2.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे ही एक एक सीए टैक्स की कंसल्टेंसी देने के 5-5 लाख रुपए नहीं लेता, ऐसे ही सीए 31 जुलाई 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करने के लोगों से 10-10 हजार रुपए नहीं लेते, अगर अच्छी रिटर्न होती है। टैक्स के महाज्ञानी है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, जहां भी टैक्स की बात होती है लोग देखते हैं सीए कहां है, आपके पापा भी, आप घर में सीए कर रहे हो, जब भी रिटर्न भरनी होती है फोन जाता है सीए के पास, कोई भी पापा को दिक्कत है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, फोन जाता है सीए के पास। वैसा हम कोई छोटी मोटी चीज थोड़े हैं, छाती चोरी करके चला करो सड़कों के ऊपर,
को क्या क्या कर रहा है तू? सीए का स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट है तो क्या हो गया, बन जाऊंगा सीए, कुछ ही घंटे बाकी हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो सर जो हम डिग्री कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल की डिग्री कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो जहां भी टैक्सेशन की बात होती है वहां पर हमारा नाम आएगा ही आएगा, लोग हमारी तरफ देखेंगे देखेंगे। आप यकीन मानना, जब बजट आया लोगों ने किसी को नहीं ढूंढा, सीए को ढूंढा कि इस बजट की इंटरप्रिटेशन क्या है। आप चेक करना ICAI वाले, जिस दिन बजट आया उसके नेक्स्ट डे उन्होंने सेमिनार किया और बजट को एनालाइज कौन कर रहे हैं? सीए गिरीश आहूजा सर, जिनसे ऑलमोस्ट सारी की सारी फैकल्टीज पड़ी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं। तो इंटरप्रिटेशन तो हम लोग करेंगे, एनालाइज तो हम लोग करेंगे, तो हमें इसकी नॉलेज होना कितनी जरूरी है। तो सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा ये निकल के आ रहा है सर 50 नंबर में जो उसने सीखा, तो मेन कंटेंट ही है कि हमें इनकम निकालनी कैसे, क्योंकि जब हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं तो कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, कैसे जाएगी, टैक्सेबल कैसे होगी, कौन से खर्चे माइनस होंगे, कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, तो काफी सारी बातें होती है ना। तो ये सारी की सारी बातें 50 नंबर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी, बस ये पर ध्यान दो। आई थिंक अब आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा खुल गया होगा कि हमें 50 नंबर में पढ़ना क्या है, थोड़ा सा खुल गया होगा ना कि 50 नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो 50 नंबर में रेट नहीं पढ़ने वाले, 50 नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कंप्यूट इनकम, कि इनकम को हमें कंप्यूट कैसे करना है, ये पढ़ने वाले हैं 50 नंबर के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी बातें पढ़ने के बाद आप घर में अपने पापा को खुद भी कंसल्ट कर सकते हो। जैसे अगर एक बच्चे के फादर मान लो सैलरी क्लास पर्सन है तो उनकी इनकम कैसे निकालनी है, उसकी इनकम तुम भी निकाल सकते हो जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करूंगा आपके फादर बिजनेसमैन है, एक बात मेरे को बताओ यार, आप में से किन किन के फादर बिजनेसमैन है बताना एक बार सारे बच्चे हैंड रेस करो। हनी, आप में से किन किन के फादर बिजनेसमैन है बताना एक बार, आप में से किन किन के फादर बिजनेसमैन है बताओ, बिजनेसमैन किन किन के फादर है जल्दी बोल दो फटाफट से। आप में से किन किन बच्चों के फादर बिजनेसमैन हैं, आप खुद ही देख लो जी। अब जिनके फादर बिजनेसमैन हैं, अच्छा बिजनेस में खर्चे कम होते हैं ज्यादा होते हैं बताना एक बार, बिजनेस में खर्चे कम होते हैं ज्यादा होते हैं बताओ एक बार। जिनके पापा भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में खर्चे कम होते हैं ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, ओके अच्छी बात है। अब अगर बिजनेस में खर्चे ज्यादा होते हैं तो कौन से खर्चे इनकम को निकालते हुए माइनस करने हैं, कौन से माइनस नहीं करने हैं, कि आपके फादर को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पता क्या? देखो हमारे पापा लोग जो है ना उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत होती है और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। 11 साल में कुछ सीए बने हुए हो चुके हैं, अब 2013 के अंदर मैं सीए बना, 2024 हो चुका है, अप्रोक्सीमेट 11 साल से ऊपर मुझे हो चुके हैं सीए बने। इवन 11 साल आप 20 दिन लगा लो, मतलब 16 जुलाई 2013 को रिजल्ट आया था और 7 अगस्त 2024 है, तो अप्रोक्सीमेट 11 साल कुछ दिन में कुछ सीए बने हो चुके हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पापा डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते, एक्चुअली हमको ना नालायक ही समझते हैं। मेरे इतना मर्जी बड़ा टीचर बन जाऊं, बच्चे मुझे कुछ भी कहते ना, लोग मुझे कुछ भी कहते ना, गाबा सर, ये वो, पापा को मैं लगता हूं नालायक। आज भी पापा कहते हैं नालायक कहीं का पापा। एक अच्छा सुनो ध्यान से, इस बार बजट आया तो बजट में इंडेक्सेशन हटा दिया। अब जब बजट में इंडेक्सेशन हटा दिया तो मैंने क्या क्या इंडेक्सेशन पे ना बहुत बढ़िया वीडियो बना के डाली, आप देखना अल्टीमेट सीए के चैनल के ऊपर भी है, वहां पे वीडियो डली हुई है इंडेक्सेशन वाली, कि इंडेक्सेशन से फायदा होगा नुकसान होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मिनिस्ट्री ने बजट पेश किया शाम को ही मैंने क्या किया, एक वीडियो बना के डाल दी विद एग्जांपल कि इंडेक्सेशन से फायदा नुकसान है। मेरे पापा ने वो वीडियो नहीं देखी, मेरे पापा का अगले दिन मुझे मैसेज आ गया किसी और पर्सन का, मतलब वो किसी और को देख रहे होंगे। अब उनको पता नहीं था इंडेक्सेशन भी हट चुकी है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, कह रहे विवेक सुन वीडियो को, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, देख तुझे पता इंडेक्सेशन हट चुकी है। मैं कहा पापा ये लो मेरी वीडियो, इससे पहले मैं डाल चुका हूं और विद एग्जांपल डाल चुका हूं। पापा कह रहे अच्छा, मतलब कहना क्या, समझ मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। उसके बाद फिर मेरे पापा ने एक और वीडियो भेजी, कह रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
फिर 12.5% हो गया, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ गई। मैं कहा पापा ये वीडियो भी यूट्यूब पर मैं डाल चुका हूं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जब ये बातें तुम घर वालों को बताते हो तो उन्हें भी प्राउड फील होता है कि तुम्हें नॉलेज है। ठीक है, तो इनकम का बहुत लंबा चौड़ा मसला है, अलग अलग तरह की इनकम होती है, अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी बातें हमारे सिलेबस में सीए इंटर लेवल पर हैं। एक बच्चे ने कहा था सर कितने चैप्टर्स हैं, तब मान के चलो 14 से 15 चैप्टर इनकम टैक्स में हैं जो हमें डिस्कस करने, एडवांस लेवल जो है वो सीए फाइनल के अंदर है। इंडेक्सेशन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन में, इंडेक्सेशन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन में। अगर आप वैसे जानना चाह रहे हो नॉर्मल सिंपलिसिटी के लिए तो मैं बता दूं इंडेक्सेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, एक बात को बताना, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब ओए सुन, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं आप मेरे को बताना, आज से 15 साल पहले जो 1 रुपए की वैल्यू थी क्या आज भी 1 रुपए की वैल्यू सेम होगी जी? मेरे को ये बता दो, आज से 15 साल पहले जो 1 रुपए की वैल्यू थी क्या आज भी 1 रुपए की वैल्यू सेम होगी या बदल चुकी होगी? बदल गई होगी। मेरे को याद है 1 रुपए के पहले उस टाइम 4 टॉफियां आती थी, 1 रुपए के वो येलो येलो कलर के पापड़ आते थे, याद है वो हाथ में फंसा के हम पापड़ खाते थे, ऐसे हाथ घुमाते थे वो पापड़ भी घूमते थे, 1 रुपए के 4 पापड़ आते, क्या आज 1 रुपए के 4 पापड़ आते हैं? नहीं आते हैं। सर आप चेक करो रुपीज कितना कॉस्टली हो गया, रुपीज कितना डेप्रिशिएट हो गया, तो ये हुआ किस वजह से? इन्फ्लेशन। अब एक्चुअल में गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हारी कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट ही नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना मींस इंडेक्सेशन करना जो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। लोग तभी पैनिक हैं, लोग ये बात कह रहे हैं भाई इन्फ्लेशन से एडजस्ट तो करोगे ना, आज से 50 साल पहले मेरे पापा ने जो प्रॉपर्टी 4 लाख की खरीदी थी आज उसकी वैल्यू 4 लाख कैसे होगी? और तुम कह रहे हो कि 4 लाख माइनस करो, भाई इंडेक्सेशन रिमूव करने का मतलब क्या है कि तुम कह रहे हो कि 50 साल पहले 4 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी आज भी वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो भाई ये तो गलत है ना, उस 4 लाख की वैल्यू को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके आज की वैल्यू निकालो। बट गवर्नमेंट कह रही हम 4 लाख माइनस करेंगे, तो गवर्नमेंट इसको हटाने की बात कर रही है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्सेशन। अभी के लिए बस इतना समझ लो, इंडेक्सेशन मींस होता है कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है चलो, तो ये हमें 50 नंबर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब सेकंड आओ, सेकंड फिर यहां पे आ जाओ। अब जो हमारा जीएसटी है 50 नंबर में उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा जी, क्योंकि हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है जीएसटी। ठीक है ना, सबसे पहले सर क्या सोच के हटाया होगा सर गवर्नमेंट ने? एक्चुअल में सोचा कुछ नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह रही है हमने सिंपलिसिटी के लिए हटाया, हमने रेट कम कर दिया, पहले 20% था अब 12.5% कर दिया। बट मैं कह रहा हूं सिंपलिसिटी भी ऐसी ना हो कि लोगों के दिलों में दर्द हो। भाई इन्फ्लेशन, आज जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको तो तुम एडजस्ट करोगे ना, बट उन्होंने बोला हम सिंपलीफाइड करना चाहते हैं, हम इंडेक्सेशन हटा रहे हैं, रेट हम कम कर रहे हैं। बट सिंपल सी बात है, रेट कम करने के बाद भी आज नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा। हाँ कुछ केसेस के अंदर फायदा हो सकता है, अब मैंने कहा ना अभी फाइनेंस एक्ट बनना है, देखते हैं क्या होगा जी, ठीक है ना, उसमें देखते हैं। बट अभी के लिए वापिस आ जाओ जी। चलो सर ये हैंडसम लग रहे हमेशा कितना, थैंक यू सो मच प्रांजल, बेस्ट स्टार्टेड ऑन 7th अगस्त इज इक्वल टू थाला फॉर रीजन, बिल्कुल सही बात है। हमने एक्चुअल में स्टार्ट ही 7 तारीख को इसलिए किया है क्योंकि वी आर धोनी फैन, थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, एबीसी एनालिसिस करवाऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा जी, बिल्कुल कराऊंगा जी, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है चलो, अब यहाँ पे वापस आओ जी, अब यहाँ पे वापस आओ। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या रहा है जी? हाँ जी, अब यहाँ पे क्या रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे जीएसटी जी, अब यहाँ पे बात करते हैं जीएसटी की। हाँ जी भाई साहब, अब यहाँ पे आ जाओ जीएसटी। हाँ जी, अब यहाँ पे आ जाओ जीएसटी। अब एक बार मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जीएसटी 50 नंबर में, ऐसे तुम्हें 50 नंबर में जीएसटी क्या पढ़ने को मिलेगा बताओ जी, ऐसा तुम्हें 50 नंबर में जीएसटी क्या पढ़ने को मिलेगा? सर आप भी ट्रैकर बनाते हो क्या? बिल्कुल, मैं भी आपको ट्रैकर बना के दूंगा जी। बीवी भाई, बीवी बच्चे तेरे सब खुश रहे मेरे बच्चे, अभी से बीवी की बात क्यों कर रहा है? अभी तो पहले तू सीए बन जा, सीए बनने के कुछ पैसे कमा ले, घर में गाड़ी वाड़ी ले आ, तब बीवी की बात करियो ना।
अभी बीवी बच्चे तुझे कहां से चाहिए मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, पर उसके लिए पहले डिग्री विग्री ले ले मेरे बच्चे, कुछ घर में थोड़े बहुत पैसे कमा के ले आ, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी मैं नोट्स की बात करता हूं जी, अभी मैं नोट्स की बात करूंगा। क्वेश्चन मेरा यह निकल के आ रहा है, क्वेश्चन का निकल के आ रहा है, क्वेश्चन यह है कि जीएसटी 50 नंबर में क्या पढ़ने को मिलेगा जी। क्वेश्चन यह है कि 50 नंबर में जीएसटी में क्या पढ़ने को मिलेगा। पहले मैं एक बार सारे बच्चे जीएसटी की फुल फॉर्म लिख दो जी, एक बार सारे बच्चे जीएसटी की फुल फॉर्म लिख दो जी, जल्दी लिखो। जल्दी बताओ। गाबा सर टैक्स, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मगैम्बो खुश हुआ। गुड्स एंड, यार कई बच्चे ना अभी भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख रहे हैं, बट कई बच्चे जो अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा सही लिख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि जीएसटी की फुल फॉर्म जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। तो जीएसटी की फुल फॉर्म जो है ना, जीएसटी की फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, नॉट सर्विस टैक्स। तो फुल फॉर्म जो निकल के आ रही है वो आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स की बात नहीं हो रही, सर्विसेज टैक्स की बात हो रही है जी, ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है सर 50 नंबर में जीएसटी में क्या पढ़ने को मिलेगा जी। अब 50 नंबर में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा 50 नंबर के अंदर। अब क्या क्या, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं अगली स्लाइड के ऊपर आऊंगा, मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना कि ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप में से कितने बच्चों ने आज तक जीएसटी पे की है, हाँ या ना बताना बस। अगर पे की है तो हाँ लिख देना, नहीं पे किया तो नो लिख देना, और अगर किया या नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस ये बात ध्यान दो जी। वीडियो को ना एक बार लाइक कर देना, सारे सारे बच्चे एक बार लाइक कर देना अच्छे से। हाँ नहीं, तो बच्चा कह रहा है सर पे किया है, पे किया है, पे किया। अरे कई बच्चे नो कह रहे हैं यार, कई बच्चे नो कह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हमने पे नहीं किया। एक बार वो बच्चे लिखना जिन्होंने पे नहीं किया जी, एक बार वो बच्चे लिखना जिन्होंने आज तक जीएसटी पे ही नहीं किया। एक बार सिर्फ नो वाले बच्चे लिखेंगे, नो वाले, नो वाले प्लीज, एक बार नो वाले बच्चे। मनीषा, मनीषा कह रही है नहीं पे किया। नो वाले बच्चे बताओ, नो वाले, और बताओ जी, और बताओ, और फटाफट से बताओ जी, और बताओ। जो कह रहे हैं हमने पे नहीं किया। भूमि कह रही है जीएसटी पे नहीं किया, अच्छा ठीक है। उसके बाद ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कह रहे हैं कि हमने पे नहीं किया, ओके ठीक है, और बताओ। ओम कह रहे हैं हमने जीएसटी पे नहीं किया, ठीक है। कमलेश कह रहे हैं कि हमने, अरे एक बात बताओ भाई, तुम बिना डाइपर के पैदा हो गए क्या, बिना डाइपर वाइपर बच्चे बचपन में लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे, सुसू कर देते होंगे बचपन में, तुम कहते नहीं होगे मम्मा चुच्चू, मम्मा चुच्चू, मम्मा पुप्पू, पुप्पू मम्मा पुप्पू, तो पुप्पू जब तुम करते थे, चुच्चू जब तुम करते थे तो डाइपर लगता था, उस डाइपर के अंदर भी जो प्राइस था उसमें भी जीएसटी होता था। टॉफी खाई तुमने, टॉफी, टॉफी खाई टॉफी, तो टॉफी के ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव जीएसटी, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, उसमें भी तुम जीएसटी पे करते हो। तुमने आज तक कभी सामान ही परचेज नहीं किया क्या भाई। एक होता है जूठे, एक होता है महाजूठे, एक होता है प्रीमियम क्वालिटी के जूठे नालायक। मतलब तुम्हें क्या लगा मगैम्बो खुश होगा, अरे नालायको, तुमने कोई ना कोई सामान तो परचेस किया होगा, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, डोमिनोज में पिज्जा खाया होगा, मैकडी में बर्गर खाए होंगे, कुछ तो खाया होगा जिंदगी में, या कुछ भी नहीं। हाँ, इस फीस के अंदर भी जीएसटी था। लो बच्चा कह रहा है इस फीस के अंदर भी जीएसटी था, कमाल कर दी तुमने यार। तो सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है सर, जाने अनजाने में हम कितना जीएसटी पे कर चुके हमें खुद ही नहीं पता भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब जो बच्चे कह रहे हैं नो, दिक्कत उनकी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जीएसटी उनसे चार्ज हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट है, उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर की जेब पे आता है, वो नॉर्मली प्राइस में इंक्लूड होता है। जब प्राइस में इंक्लूड होता है तो पता नॉर्मली हमें होता ही नहीं। सर हम गरीब हैं सर, हमें नहीं पे, अरे इधर सुनो नलायको, गरीब अमीर, एक टॉफी, एक पापड़, एक चिप्स, एक कुरकुरे, कुछ तो मेरे बच्चे कभी कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, कुछ तो कब कुछ तो लिया होगा, कोल्ड ड्रिंक ली होगी, कुछ तो ऐसा, क्या जिंदगी से भर से भूखे बैठे हो, अनशन के ऊपर बैठे हो क्या,
कभी कुछ डोमिनोज में मूवी की टिकट, कभी तो मूवी देखने के लिए गए होंगे जोमेटो से स्विगी से, कहीं ना कहीं खाना तो मंगाया होगा। इतने भी क्या गरीब हो गए नालायक कहीं के? हा तो सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है, सिंपल सी बात निकल के आ रही है, जीएसटी जो है मेरे ख्याल सब बच्चों ने पे किया, सब बच्चों ने। मैं मान ही नहीं सकता, अभी भी कोई बच्चा नो वाला है तो यहां पे बताए, मेरे को नो वाला है तो बताए, है कोई नो वाला बच्चा? लिखना नो वाला, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, बच्चा कह रहा आईडी सर ने बोला सांस लेने पर भी टैक्स है, बिल्कुल टैक्स है भाई, सांस ऑक्सीजन पर भी टैक्स है, जल्दी बताओ। अभी भी कोई बच्चा नो वाला है? नो वाला कोई बच्चा तो नहीं है ना? चलो शुक्र है भगवान का अभी कोई नो वाला नहीं, अगर अब होता तो मैं उसे बताता फिर। अब सुनो ध्यान से, तो ये बात तो कंफर्म होगा कि आज तक हमने कभी ना कभी हमने जीएसटी पे किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने कभी ना कभी जीएसटी पे किया है। चलो अच्छा, आप में से किस किस ने कभी आज तक ये चेक किया कि वो जीएसटी हमने सही पे किया है गलत पे किया, बताना मुझे। आप में से किस किस बच्चे ने कभी ये चेक किया कि वो जीएसटी हमने सही पे किया या गलत पे किया, बताना एक बार जी। सर आपकी क्लास एप्लीकेशन पे कब होंगी? 5-6 क्लासेस अभी यूट्यूब पे होंगी, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पे होंगी जी। किस किस ने ये चेक किया जी, कभी आपने सही पे किया गलत पे किया जी? हनी किस किसने चेक किया जी? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं जी, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने नहीं चेक किया, तो मैं बता दूं ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। आजकल मार्केट में इतने फ्रॉड इनवॉइस कट रहे हैं, इतने नकली इनवॉइस कट रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता जी। तो एक्चुअल में वो इनवॉइस सही है या नहीं है, इनवॉइस सही कटा या नहीं कटा, एक्चुअल में जीएसटी उसने सही लगाया गलत लगाया, ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है ये बातें जाननी। अब ये सारी की सारी बातें कैसे पता लगेंगी हमें, ये सामने वाला बंदा जीएसटी सही चार्ज कर रहा है गलत चार्ज कर रहा है, क्या वो चार्ज कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा? तो ये सारी की सारी बातें जो बच्चे अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चे होंगे उनको आइडिया होगा, ये बातें हम अर्ली बर्ड बैच के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। याद करो मैंने कहा था कि जब भी तुम्हें कभी जीएसटी के बारे में चेक करना होता है कि सामने वाला बंदा सही से जीएसटी चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा, तो तुम जीएसटी की वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हो कि वो बंदा सही है गलत है जी। अब जो पर्सन पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका पहला पहला दिन है, मैं एक बार थोड़ा सा उनको दिखाना चाहता हूं और ये मैं फील करवाना चाहता हूं कि आज के बाद अगर तुम्हें कभी भी कोई बिल मिलेगा, मैं दोबारा बोलूंगा, आज के बाद अगर तुम्हें कभी भी कोई बिल मिलेगा, तुम्हारा एक फर्ज होगा कि मुझे चेक करना है कि उस बंदे ने जीएसटी सही चार्ज किया या गलत चार्ज किया। तुम्हारे 5 मिनट से ऊपर ही लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और आई थिंक नेट सबके पास होता है, नेट सबके पास है, मतलब इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगेगा जी। अब तुमने करना क्या है, तुम यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे जाओगे और जीएसटी की वेबसाइट होती है gst.gov.in, आप जब जैसे ही जाओगे तो उसको हम बोलते हैं जीएसटी पोर्टल। आप में से काफी सारे बच्चों ने शायद ये वर्ड पहले सुना होगा, जीएसटी पोर्टल हो गया, कॉमन पोर्टल हो गया, तो इसको हम जीएसटी पोर्टल बोलते हैं जो ये आपके सामने है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये जीएसटी पोर्टल है। जितने भी कंप्लायंस जीएसटी में करने हैं सारे के सारे इससे होंगे जी। तुम्हें इनवॉइस इशू करना है, रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है, कोई भी बातें जो तुम्हें जीएसटी से रिलेटेड हैं वो सारी के सारी जीएसटी पोर्टल के थ्रू होती हैं, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारे पास एक बिल आ गया, अच्छा आप में से किसी बच्चे के पास कोई बिल अभी पड़ा हुआ है, मतलब मैं एक बार जानना चाह रहा हूं आप में से किसी बच्चे के पास कोई बिल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ बताओ जी, बताओ आप में से किसी बच्चे के पास कोई बिल अभी पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ जी, बताओ पड़ा हुआ है कोई बिल? और अगर पड़ा हुआ है तो एक बार साथ साथ चेक कर लेना जी, अगर पड़ा हुआ है तो ऐसा करना एक बार साथ साथ चेक करना जी, एक बार साथ साथ यहां पे चेक करना। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, अब यहां पे अगर एक बार चेक करोगे तो ये मैं अपना जीएसटी नंबर यहां पे डाल रहा हूं जी। अब अगर मैं अपना जीएसटी डाल रहा हूं तो आप यहां पे आओ सर्च टैक्सपेयर पे आए, यहां पे गए सर्च बाय GSTIN, मैं यहां पे आ गया जी, मैं यहां पे आ गया जी, ठीक है डन। अब यहां पर मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया, अब नंबर मैंने डाला 09BAPPZ0344B1Z2, यहां पे ये निकल के आ गया, अब यहां पे आ गया 104051, 104051, अब यहां पे आ गया। जैसे मैं सर्च करूंगा
तो आपके सामने देखो यहां पर खुल गया मेरा जीएसटी नंबर, ये मेरा जीएसटी नंबर है। अब बहुत ध्यान से चेक करना जी, अब यहां पे चेक करो लीगल नेम ऑफ बिजनेस विवेक गाबा, अब ट्रेड नेम वीजी स्टडी हब, ये मेरी पर्सनल खुद की अकेडमी है, और इफेक्टिव डेट, और सबसे मेन बात क्या है GSTIN, दैट इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है कि मैं जीएसटी चार्ज कर सकता हूं, एक्टिव मींस क्या है कि मैं जीएसटी चार्ज कर सकता हूं। फिर मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, मतलब कहां पर मैं अपनी जॉब, मतलब ऑफिस मेरा कहां पर है जहां पर मैं काम करता हूं, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस है। उसके बाद फिर मैं कौन कौन सा काम करता हूं, अब अगर यहां पे चेक करोगे यहां पे देखो क्या लिखा है, प्रिंटेड बुक्स, बुक्स तुम्हें मिलती है, कमर्शियल कोचिंग, तो कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग की सर्विस, मैं तुम्हें कोचिंग की सर्विस दे रहा हूं, दैट इज माय कमर्शियल एक्टिविटी, तो यहां पर मेरी कवरेज। तो सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, इस तरह से आप किसी का बिल चेक कर सकते हो, तो यहां पे एक्टिव लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे कैंसल्ड लिखा है या सरेंडर लिखा है तो वो सामने वाला आदमी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, अगर फिर भी कर रहा है उसके अगेंस्ट तुम कंप्लेन कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? Then, सर यहां पे जो रेगुलर लिखे है वो क्या मतलब है, अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा रेगुलर का मतलब क्या है। एक्चुअल में जीएसटी में दो स्कीम होती है, रेगुलर स्कीम होती है और कंसेशनल स्कीम होती है, तो मैंने जीएसटी में रेगुलर स्कीम ली है, तो रेगुलर स्कीम का मतलब ये होता है कि मैं जीएसटी में सारे कंप्लाइंस सही टाइम पर पूरे करता हूं, कोई फ्रॉड नहीं करता, तो उसका मतलब ये होता है बस। डन। कंप्लेन कैसे करते हैं, कंप्लेन वेबसाइट पर ही करते हैं, कंप्लेन आप वेबसाइट पर जाओगे वहां पर तुम्हें नंबर दिए हुए, कंप्लेन नंबर दिए हुए, उस कंप्लेन नंबर पे कॉल करोगे, जैसे कस्टमर केयर नंबर नहीं होते ऐसे कस्टमर केयर नंबर है, वहां पे कॉल करो कंप्लेन का, तो काम खत्म। क्या मैं इस बात को लॉक कर सकता हूं जी, क्या मैं इस बात से लॉक कर सकता हूं, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं है जी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। सर जीएसटीआईएन नंबर बताइए, ये मेरा नंबर ना ये मेरा जीएसटी नंबर है जी, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 09BAPPG0344B1Z2, ये मेरा जीएसटी नंबर है, इसको तुम पब्लिकली कभी भी चेक कर सकते हो कि मैं जीएसटी जो चार्ज कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं जी। क्या इसको लॉक कर दूं, क्या मैं यहां तक लॉक कर सकता हूं, जल्दी बताओ फटाफट से जी भाई साहब। हेलो डन ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, चलो अब यहां पे आ जाओ जी। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी चार्ज करते हैं कि सामने वाला बंदा जीएसटी चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा जी। सर अल्टीमेट सीए का बता दो, अभी बता रहा हूं अल्टीमेट सीए का भी दिखा दूंगा आपको। आपकी फाइलिंग्स दिखाइए भाई, फाइलिंग मेरी सही है बिल्कुल यार, कोई डिफॉल्ट नहीं करता, ये लो फाइलिंग मेरी, ये लो यहां पे फाइल देखो, रिटर्न यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा मेरी फाइल है, सारी के सारी रिटर्न मेरी यहाँ पे फाइल हो चुकी है, सिंगल रिटर्न भी नोट फाइल्ड में नहीं है जी। पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं है जी, पेट्रोल पर जीएसटी अभी नहीं है, पेट्रोल जीएसटी से बाहर है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोटर स्प्रिट हो गया, ठीक है ना, तो ये जीएसटी से बाहर है अभी, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इस पर जो पुराने टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल है, जीएसटी इस पर अभी एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। बुक्स आ जाएंगे जल्दी जी, सर आप पंजाबी हो जी, पंजाबी हैं बिल्कुल पंजाबी हैं जी, चलो वापिस आ जाओ जी। इधर सुनो मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये 50 नंबर में एक तो मैंने क्या बोला कि जीएसटी के बारे में आइडिया होगा, दूसरा अब आप सबने काफी बच्चों ने बोला कि हमने जीएसटी पे किया है, ठीक है आपने जीएसटी पे किया है, ठीक है आपके बिल में जीएसटी जो होता है वो लगा होता है, आप मेरे को बताओगे आपके बिल में कौन कौन से जीएसटी लगे होते हैं भाई, जो भी आपने जीएसटी के बिल देखे हैं, जो भी आपने जीएसटी के बिल देखे हैं, तो उस जीएसटी के बिल में कौन कौन से जीएसटी लगे हुए तुमने देखे हैं जी, बताओ जल्दी बोलो कौन कौन से जीएसटी लगे हुए तुमने देखे हैं जीएसटी के बिल में जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कौन कौन से, एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इन चारों के अलावा कोई तुमने जीएसटी देखा है जी, इन चारों के अलावा तुमने कोई जीएसटी देखा है क्या, जल्दी बोल दो फटाफट से जी, इन चारों के अलावा कोई तुमने जीएसटी लगा हुआ देखा है नहीं देखा, जल्दी बोल दो फटाफट से, यस या नो, हाँ जी इन चारों के अलावा तो देखा नहीं है ना, ऑब्वियस बता, इन चारों के अलावा कोई जीएसटी होता भी नहीं है,
मतलब या तो सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, यूटीडीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सा जीएसटी कॉम्बिनेशन में लगता है बताओ। हाँ जी, इनमें से कौन कौन सा जीएसटी कॉम्बिनेशन में लगता है, मतलब तुमने अपने बिल में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन देखा हुआ है बताओ, कुछ जल्दी बोलो, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन देखा हुआ है फटाफट से बता दो जी। जी जी नरेश जी बिल्कुल जी, हाँ जी, कौन कौन सा देखा है, या तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, या सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, और या हो गया आईजीएसटी। इन तीनों के अलावा कोई कॉम्बो नहीं होता जी, इन तीनों के अलावा कोई भी कॉम्बो नहीं होता, या तो बिल में लगा होगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, या बिल में लगा होगा सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, या बिल में लगा होगा आईजीएसटी, यही तीन कॉम्बो बनते हैं, इन तीनों के अलावा कोई कॉम्बो नहीं बनता, बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का? चलो अब एक बात मैं और बताऊं, अब जो ये कॉम्बो तुमने बनाया सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, तो इन तीनों में से कौन सा जीएसटी कहां पे लगाना है ये कैसे पता लगेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो मुझे अपने बिल में सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगाना है कैसे पता लगेगा? अगर मेरे बिल में सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगाना है कैसे पता लगेगा? या मेरे बिल में आईजीएसटी लगेगा ये कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरे बिल में कौन सा जीएसटी लगेगा जी बताओ, मारो तुक्का। मेरे बच्चे यूटी जीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो यहां पर यूटी जीएसटी की बात होती है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी आपके बिल में कब लगेगा जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अगर मैंने जो सामान बेचो वो कहां पर हो, सेम स्टेट में भाई, अगर ट्रांजेक्शन जो है वो सेम स्टेट में हो रही है तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। अच्छा, अगर ट्रांजेक्शन सेम यूटी में हो रही है तो सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, और अगर ट्रांजेक्शन दूसरी स्टेट में हो रही है, दूसरी यूटी में हो रही है, तो आईजीएसटी की बात होगी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये अब कहां कहां पर कौन सा जीएसटी लगना है, किस तरह से लगना है, ये सारी बातें हमारे 50 नंबर के अंदर जीएसटी में है जी। ठीक है, तो 50 नंबर के अंदर बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, वैल्यू निकालना, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, सप्लाई का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, तो अनगिनत बातें जीएसटी में ऐसी हैं जो पढ़ने को मिलेंगी 50 नंबर के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दो जी। चलो अब जाके हमारा फाइनली इंट्रो खत्म हो गया कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, इजाजत आगे बढ़ने की जी, जल्दी बोलो क्या इजाजत है हमें आगे बढ़ने की, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना, क्या आप मुझे इजाजत दे सकते हैं? डन, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अब सुनो ध्यान से, अब अगली स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है रेलिवेंस ऑफ अमेंडमेंट्स, रेलिवेंस ऑफ अमेंडमेंट, रेलिवेंस ऑफ अमेंडमेंट का मतलब क्या जी, मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमारे जो अमेंडमेंट हमें पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है जी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबके एग्जाम मई 25 में, तो मई 25 में बजट 2024 मतलब लेटेस्ट वाला बजट आएगा, और 6 महीने पहले की नोटिफिकेशन भी आएंगी। इनमें से अगर मई 25 में एग्जाम है, 31 अक्टूबर 24 तक की जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपका बैच खत्म होगा अक्टूबर के बाद, तो अक्टूबर तक की सारी अमेंडमेंट जो होंगी हम क्लास में कवर कर लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद कोई अलग से अमेंडमेंट क्लास देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन क्योंकि सारी अमेंडमेंट हम क्लास में ही कवर कर चुके होंगे। तो 31 अक्टूबर तक की जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी हमें डिस्कस करनी होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो फाइनेंस एक्ट 24 और 6 महीने पहले की जो नोटिफिकेशन होंगी, सर्कुलर होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी बातें हमें कवर करके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, डन। चलो तो ये हमारी आपकी स्लाइड नंबर 2 है। अब पेपर का पैटर्न, सर हाउ टू मेंटेन नोटबुक फॉर नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी बताता हूं जी, अभी नोट्स की बात करूंगा जी आपके, अभी 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 नोट्स की बात करूंगा, टेंशन मत लो जी। ठीक है, अब अगर आ रहा है पेपर का पैटर्न क्या जी, हाँ जी, अब एक बार चेक करो पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न देखो जी, पार्ट नंबर 1 50 नंबर का आएगा, फिर पार्ट नंबर 2 50 नंबर का आएगा जी।
ठीक है, पार्ट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर वन मैंडेटरी 15 मार्क्स का, और बाकी फिर क्वेश्चन नंबर टू आएगा 10 नंबर का, मे बी 6 नंबर का, मे बी 4 नंबर का, या दोनों कंबाइन, फिर 10 नंबर का 6 और 4, फिर 10 नंबर का 6 और 4, और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन दो करने हैं किसी भी चार में से, मतलब आपको यहां पे इनमें से कोई भी आपको दो क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है, इनमें से कोई भी आपको दो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन टू टू फोर, मतलब टू से लेके फोर तक ऑप्शन है कि दो तीन चार में से कोई भी दो क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करके आने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर वन मैंडेटरी है, मतलब क्वेश्चन नंबर वन में कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर वन में कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर टू टू फोर जो है ना उन तीन क्वेश्चन में ऑप्शन है कि तुम एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बाकी दो क्वेश्चन तुम्हें करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद सेम जीएसटी का जी, पहला 15 नंबर का, फिर 10-10 नंबर के एच यहां पे लिखा है, और अगर मान लो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 6-8 में, तो फिर ऑप्शन जो मिलेगा वो दो क्वेश्चन का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। डन, क्या इसको लॉक कर दें? बोलो जी, डन। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा नोट्स के बारे में बता रहा हूं और थोड़ा सा तुम्हें लिखवाना स्टार्ट करूंगा। अब नोट्स के बारे में बहुत ध्यान सुनना, ये तुम्हारे बहुत काम की बातें हैं जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, कुछ रूल्स मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं क्योंकि पहली पहली क्लास है और बच्चों को बताना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से वो रिजल्ट अपना खराब करते हैं, उसका नुकसान उनको तो होता है, उनके पेरेंट्स को भी होता है, उनका दिल टूटता है। तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको आज से ही पकड़ लेनी है अगर तुम्हें बोध रूप निकालने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं? तो सबसे मेन बात, सबसे पहली बात, सबसे स्ट्रॉन्ग बात कि तुम्हारा क्लास में डेली बेस पे होना जरूरी है। मतलब अगर मैं डेली लाइव ले रहा हूं, तुम्हारा फर्ज बनता है डेली लाइव ही अटेंड करने का। बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, तुम लाइव आ ही नहीं पा रहे तो रिकॉर्डिंग की बातें एक अलग है, लाइव अगर लोगे तो लाइव पढ़ने का अलग ही मजा है। अब जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा है, ये बच्चा मैं दो तीन बार देख चुका हूं, दो तीन बार अंगड़ाई ले चुका है, एक बार इसने ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे किया इसने, फिर दो तीन बार इसने फोन पे हाथ करके मैसेज किया, बेबी ताना ताया, बेबी आज से ना मेरा बैच स्टार्ट हो गया, गाबा सर की टेक्स की क्लास चल रही है। तो ये हरकतें नहीं करनी बस आपने, ये कुछ हरकतें हैं जो आपने 3 घंटे के अंदर नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। फोन को मैसेज के लिए हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल सीधे होके बैठना, चेयर टेबल पर सीधे होके बैठना, कोई बेड पर बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, कोई टेढ़े मेढ़े होके पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होके। जैसे इस टाइम बच्चा अभी मेरी बात नहीं सुन रहा है, बहुत ही नालायक बच्चा मेरे सामने बैठा, ये नारंगी कलर का, हाँ ये टी शर्ट जो तुम्हें डाल रखा है, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दूसरी बात, अगर तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तुम्हारी लाइव मिस हो गई, सेम डे रिकॉर्डिंग कंप्लीट करो, मतलब सेम डे का मतलब जैसे रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आई उसी टाइम कंप्लीट कर लो, बस ये बात ध्यान दो, उसको पेंडिंग मत डालो, क्योंकि अगर पेंडिंग हो गया तो बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग हो जाएगा, तुम बाद में संभाल नहीं पाओगे, बाद में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और मैं दोबारा कह दूं, वो जनवरी वाले बच्चों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनको 2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हारे एग्जाम मई 25 में ही है, कोई तुम्हें 2 महीने नहीं मिलेंगे, इंस्टीट्यूट की डेट सब सेट हो चुकी हैं, वो एक्चुअल में नवंबर वाले बच्चों के जनवरी में कर दिए, उनको 2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, तुम्हें कोई 2 महीने एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी है अगर आपको यहां पे चाहते हो कि मुझे पास होना है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। Then, चलो आ रहे हो फटाफट से आ जाओ जी। तो अब मैं नोट्स की बात कर रहा हूं, तो एक नोटबुक हम बनाएंगे, जीएसटी के अलग बनाएंगे, इनकम टैक्स के अलग बनाएंगे, 400 पेज की लेके चलना, 400 पेज की जीएसटी की, 400 पेज की डीटी की, और पहले हम आईडीटी कंप्लीट करेंगे, मतलब जीएसटी, फिर हम डीटी कंप्लीट करेंगे, और कुछ बातें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं जीएसटी से रिलेटेड, वो आप सबने लिखनी है, बस ये बात ध्यान दो। डाउट्स सोल्व कैसे होंगे, ये जो लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास के अंदर भी डाउट सोल्व कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर मैं आपको दे दूंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, या हमारा डाउट सिस्टम जो है वेबसाइट के ऊपर, उस पर डाउट्स डाल के हम तुम्हें वहां से रिप्लाई कर देंगे, बट उसमें थोड़ा सा कई बार टाइम लगता है, कॉल व्हाट्सएप कॉल कर लो,
या वीडियो कॉल कर लो, जैसे भी तुम्हारा मन लगे तुम अपना डाउट सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। डन, चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ, हेडिंग डाल लो जी फटाफट से। लिखो जी, सबसे पहले एक वर्ड लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर जहां तुम्हें सही से ये वर्ड देखने को मिले और बार बार देखने को मिले। लिखो जी, लिखो जी, इंडेक्स बताऊंगा अभी इंडेक्स के बारे में। पहले एक लाइन लिखो सबसे पहले जहां तुम्हें वो लाइन बार बार दिखे, वो लाइन लिखो तुम जी, लाइन लिखो जी, माय पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं आपके सीए बनने का, यह बात ध्यान देना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं आपके सीए बनने का, तो आपने उनके लिए सीए बनना है, यह बात ध्यान दो जी। डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना बस, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने, ठीक है। अब ये लाइन आपने लिख दी, अब ये लाइन लिखने के बाद अगले पेज पर, अगले पेज पर हेडिंग डालो इंडेक्स, हेडिंग डाल दो इंडेक्स, ठीक है जी, हेडिंग डाल दो इंडेक्स। अब इंडेक्स डालने के बाद यहां पे एक लाइन खींच लो, या तो पर्टिकुलर्स, या यहां पे आप लिख सकते हो चैप्टर नंबर हो गया, चैप्टर नंबर मान लो 1, ये टॉपिक, और यहां पे मान लो 0 से लेके 5 पेज तक, ठीक है। फिर यहां पे एक टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का ही, फिर मान लो 6 से लेके 11 तक, फिर यहां पे एक टॉपिक यहां पे 11 से लेके 13। तो इस तरह से आपको इंडेक्स बनाना है और कम से कम 4 पेज छोड़ने हैं जी। कम से कम 4 पेज छोड़ने, कम से कम 4 पेज छोड़ने, कम से कम जी। शेट्टी वरुण की हो गया मेरे बच्चे, की हो गया, जो मर्जी बना लो जी, रूल्ड कॉपी बनानी है या आपको प्लेन कॉपी बनानी है, जो जहां पे तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी आती है, जहां पर भी तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी आती है वहां बना लो जी, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। इंडेक्स के लिए 4 पेज छोड़ देना जी, इंडेक्स के लिए 4 पेज सबने छोड़ लेने हैं। हाँ, 4 पेज, डन। अब यहां पे आ रहा हूं 4 पेज छोड़ने के बाद जी, प्रज्वल कह रहे हैं सर क्या टेस्ट के लिए बुक बनानी है? नहीं, टेस्ट के लिए अलग से बुक नहीं बनानी, इसी में टेस्ट दे लेंगे जी, इसी में टेस्ट दे लेंगे। अच्छा, बर्थडे ऑफर की? नहीं, बर्थडे ऑफर पर कैसी बात कर रहे हो, मैंने ऑफर निकाला है भाई, फास्टैग बैच वाले बच्चों के लिए मैंने ऑफर निकाला है, ऐसे नहीं कह सकते तुम, जूठा जूठा कहीं का, मैंने ऑफर निकाला है, पक्का पक्का निकाला है जी। सीएमए वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं, उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। चलो
इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, अब सबसे पहले तुम एक बात करो, लिखो यहां पे, हेडिंग डाल दो यहां पे, हेडिंग क्या डालोगे, चैप्टर नंबर वन ही डाल दो, चैप्टर नंबर वन, ये आपका है बेसिक ऑफ जीएसटी, बेसिक ऑफ जीएसटी जी, हाँ नहीं, बेसिक ऑफ जीएसटी, ठीक है, लिखो चैप्टर नंबर वन बेसिक ऑफ जीएसटी जी। अब यहां पे लिखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर वन, लिखो रही कॉन्सेप्ट नंबर वन, लिखो यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर वन। अब कॉन्सेप्ट नंबर वन में लिखो सिलेबस इन सीए इंटर टैक्स, हाँ जी, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सिलेबस में, तो लिखो यहां पे जी। सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखो, ये लो ये पैटर्न लिखो जी एक बार, तो टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये कॉन्सेप्ट नंबर वन है, टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, डीटी और आईडीटी, और डीटी को इनकम टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन, और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो इससे क्रॉस कर देते हैं जी, ऐसे यहां पे क्रॉस कर देते हैं जी, ठीक है जी। अब एक बार सिलेबस को ऊपर भी लिख लो कि सिलेबस में कौन कौन से टैक्स हमारे सिलेबस में है जी, कौन कौन से टैक्स हमारे सिलेबस में हैं, एक बार फटाफट से वो लिख लो जी। सर अर्ली बर्ड में नोट्स लिखवाए थे तो वो क्या फिर, नहीं नहीं फिर दोबारा लिखना, अगर आपने पहले लिखे हुए हैं तो फिर कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आपने पहले लिखे हुए हैं जी, ठीक है, ये लिखो पहले फटाफट से जी, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से ये लिखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जब हो जाए तो थम्स अप दिखा देना जी, जब हो जाए तो थम्स अप दिखा देना कि ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। ये लिखने के बाद काटना है जी, लिखने के बाद काटना है, लिखने के बाद पहले लिखो और लिखने के बाद काट दो। डन, चलो उसके बाद अभी एक पॉइंट और लिख लो जी, अब सेकेंड पॉइंट एक और लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो कॉन्सेप्ट नंबर टू, लिखो रेलिवेंस ऑफ अमेंडमेंट, लिखो रही कॉन्सेप्ट नंबर टू रेलिवेंस ऑफ अमेंडमेंट जी, और अमेंडमेंट में सिर्फ मे 25 वाला पोर्शन आप लिख लेना, रेलिवेंस ऑफ अमेंडमेंट में सिर्फ मे 25 वाला, आप जनवरी 25 वाला कट भी कर सकते हो जी, क्योंकि इसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे बच्चे आई थिंक मे 25 के ही हैं, ठीक है ना, तो सारे बच्चे अगर मे 25 के हैं तो सिर्फ मे 25 वाला पोर्शन लिख लेना कि मे 25 में अमेंडमेंट जो आएगी वो फाइनेंस एक्ट 24 की आएगी, और 6 महीने पहले की अमेंडमेंट्स भी हमें कवर करनी होंगी, बस ये बात ध्यान दो जी। डन हो गया जी, बोलो बोलो बोलो, बोल दो मेरे बच्चों, चलो तो ये अमेंडमेंट हमें कवर करनी है, पेपर का पैटर्न आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री पैटर्न ऑफ पेपर, कि पेपर हमारा कैसे बनेगा। अच्छा एक बात और सुनना, आपको पता ना एमसीक्यूज पेपर तुम्हें वापस नहीं मिलता, मतलब जो भी तुम्हारा एमसीक्यूज पेपर होगा वापस नहीं मिलेगा, हेलो भाई साहब, ओए ओए तुम्हारी बात कर रहा हूं, हेलो इधर, ओए ओए हेलो इधर, एमसीक्यूज पेपर वापस नहीं मिलता,
एमसीक्यूज तुम वहीं रखे होगे तो पेपर तुम्हें मिलेगा वो 70 मार्क्स का होगा। अब वो 70 मार्क्स में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे वो आपके सामने है जी। तो लिखो यहां पर पैटर्न ऑफ पेपर जी। हाँ जी लिखो पार्ट नंबर वन इनकम टैक्स 50 मार्क्स। कस्टम क्रॉस कर दो, कस्टम नहीं है जी, कस्टम सी है फाइनल में है। जूम कर दूं ये लो जी। डन। तो ये पैटर्न है पेपर का, लाइक कर दो सारे, नलायक बच्चे हैं बिल्कुल, लाइक तो नहीं करेंगे ये, हैं ये नलायक ही। सर मई 25 के लिए न्यू बुक्स नहीं आई हैं, मतलब न्यू बुक्स मतलब न्यू ही तो आई हैं बुक, बट फाइनेंस एक्ट फाइनेंस बिल उसके अंदर इंक्लूड मैंने कर दिया, फाइनेंस एक्ट नहीं किया क्योंकि फाइनेंस एक्ट अभी बना ही नहीं है जी। डन। लॉक कर दो इसको। लो ये जीएसटी वाला पैटर्न देखो भी। अब ये पैटर्न है जीएसटी वाला जी, इसी के साथ में लिख लेना पैटर्न जो है हमारा जीएसटी का जी, इसी के साथ में। लिखो रे फटाफट से जी। स्क्रीन आ गई होगी सर। बहुत मजा आ रहा है टैक्स की क्लास में, अभी सिलेबस का कुछ शुरू ही नहीं हुआ लेकिन लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ पता चल गया हो। अरे थैंक यू सो मच निहारिका, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू। डन। लॉक कर दें। बोलो 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 बोलो। चलो जी अब यहां पे ये बातें छोड़ दो, इसको भी एक बार छोड़ दो, अब यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से जी। हेलो भाई साहब, अब यहां पे सारे के सारे बच्चे ध्यान दो, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब क्या क्या सिलेबस में कवर है वो समझ में आ गया, अमेंडमेंट्स कौन कौन से एप्लीकेबल होंगी वो समझ में आ गया। सर क्लास 6 बजे तक चलेगी? नहीं, क्लास आज वाली तो हम खत्म कर देंगे अप्रोक्सीमेट 5 बजे, ठीक है, आज वाली हम खत्म कर देंगे 5 बजे, मतलब पहली 4-5 क्लास जो होंगी वो 5 बजे खत्म हो जाएंगी, उस फिर पहली 5 क्लास के बाद जब तक यूट्यूब पे हो रही है तो फिर पहली 5 क्लास खत्म होने के बाद फिर हमारी क्लासेस 5:30, 6:30, जैसे भी तुम्हारा मन करेगा, तुम कहोगे 7 तो 7 बजे, 6 बोलोगे 6 बजे, 6:30 बोलोगे 6:30, जब तक तुम कहोगे हम क्लास लेते रहेंगे जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पहले 5 लेक्चर जब तक यूट्यूब पे है तो मैं 5 बजे छोड़ दिया करूंगा, तुम्हारी नई नई शुरुआत है, ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत दिक्कतें आए कि सर हमें तो इतना सुबह से लेकर शाम तक बैठने की आदत ही नहीं। आदत तो बनानी ही पड़ेगी, बट मैं तुम्हें 5:45 छोड़ दूंगा पहले 5 लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब हम फाइनली अपना आ रहे हैं मेन कंटेंट के ऊपर जी, अब मेन कंटेंट के ऊपर आ रहे हैं जी।
मेन कंटेंट के ऊपर अब हम आने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करना है जीएसटी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना है जीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे को सारे के सारे बच्चे बताएं जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ जी। मेरे को सारे के सारे बच्चे बस ये बता दें जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी बोल दो फटाफट से जी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो तुम्हें नाम से क्या पता लग रहा है कि जीएसटी ड्यूटी है या टैक्स है? तुम्हें नाम से क्या फील आ रही है जब तुम जीएसटी की फुल फॉर्म तुम बोल रहे हो? तो क्या जीएसटी इज ए ड्यूटी या जीएसटी इज ए टैक्स? जीएसटी इज ए टैक्स, जीएसटी इज ए टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी है। अगर बात करूंगा इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो वो सारी ड्यूटी थी और ये एक टैक्स है। अब जब आपने कहा कि जीएसटी एक ड्यूटी नहीं है, जीएसटी एक टैक्स है, तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि जीएसटी एक टैक्स है, इनकम टैक्स एक टैक्स है, इनकम टैक्स किसे कहेंगे? वो इनकम पे लगेगा। जीएसटी किस पे लगेगा? गुड्स और सर्विस पे। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि टैक्स का मीनिंग क्या है, मतलब हम टैक्स में क्या कवर करेंगे, टैक्स हम किसे कहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है टैक्स का मीनिंग क्या है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि टैक्स का मतलब होता है, अच्छा पहले मेरे को एक बताओ, टैक्स देना कंपलसरी या ऑप्शनल है, बताओ जी। मेरे को सारे बच्चे बताओ, टैक्स देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ड्यूटी और टैक्स में डिफरेंस होता है। ड्यूटी जो होती है वो एक आपकी कम, मतलब जो टैक्स है वो एक वाइड टर्म है और ड्यूटी उसका एक पार्ट है। ड्यूटी नॉर्मली एप्लीकेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, और टैक्सेस जो होते हैं वो इनकम पर भी हैं, गुड्स पर भी हैं, सर्विसेज पर भी है। तो मेजरली फर्क जो होता है वो ये निकल के आता है। हमें को ये बताओ, जो टैक्स हमारा है वो कंपलसरी ऑप्शनल, कंपलसरी है। अच्छा, क्या हर कंपलसरी पेमेंट जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, क्या वो एक टैक्स है? भाई कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो क्या वो एक टैक्स है? बताना एक बार फटाफट से, यस या नो। क्या हर कंपलसरी पेमेंट को हम टैक्स में कवर करेंगे नहीं करेंगे? एक सेकेंड, ओ माय गॉड, बताओ दिन दिहाड़े हो रहा है यार सब कुछ, दिन दिहाड़े ऐसा कौन करता है, हैं? कोई मतलब बना दिन दिहाड़े ऐसा करने का? नालायक। ये तो सुनो ध्यान से। हाँ, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि टैक्स की पेमेंट करना ऑप्शनल है, कंपलसरी है? कंपलसरी है। अच्छा, क्या हर कंपलसरी पेमेंट जो है क्या वो एक टैक्स है? ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज नो। तो क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि ऐसी कौन सी कंपलसरी पेमेंट है जो एक टैक्स है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे किसी एक्ट के बेस पर या किसी लॉ के बेस पर। इट मींस अगर पेमेंट करना कंपलसरी है और ये बात किसी एक्ट में लिखी है, ये बात किसी लॉ में लिखी है, तो उसी को टैक्स में कवर करेंगे और किसी को टैक्स में कवर नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो।
तो सारे बच्चे एक बात कान खोल के सुन लें, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, बट वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को किसी एक्ट के बेस पर या किसी लॉ के बेस पर, उसी को हम टैक्स में कवर करेंगे और किसी को टैक्स में कवर नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। हेलो भाई साहब, ओए और भिंडी कलर के बच्चे, ओए इधर इधर सुन सुन मेरी बात सुन, आप जो इनकम टैक्स पे करते हो, मतलब आपके घर में जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स पे करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। जीएसटी पे करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। आप लोग कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी पे करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। बट ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हम पे कर रहे हैं किसी एक्ट के बेस पर या किसी लॉ के बेस पर, वो टैक्स में कवर होगी। अगर कोई कंपलसरी पेमेंट ऐसी है जो देनी पड़ रही है पर वो बात किसी लॉ में नहीं लिखी, तो वो टैक्स में कवर नहीं है। जैसे कि ब्राइब, रिश्वत, सीक्रेट कमीशन, काला धन, तो वो देना कंपलसरी तो कई बार होता है, उसके बिना काम नहीं होते, बट वो कंपलसरी पेमेंट जो है वो किसी लॉ में नहीं लिखा, तो वो टैक्स में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या हुआ सर, मत पूछो यार, छोड़ो यार, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। दिन दिहाड़े यार, दिन दिहाड़े बताओ यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो, ठीक है नी? तो बात मेरे समझ में आ रही है? फाइन, एक फाइन भी एक टैक्स है। फाइन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, लेट फीस हो गया, तो वो भी देना कंपलसरी है, तो वो भी टैक्स में कवर होगा। तो मैंने कहा ना, टैक्स एक बहुत वाइड टर्म है, मतलब टैक्स एक बहुत वाइड टर्म है। फाइन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गया, जितने भी ये चार्जेस जो गवर्नमेंट लगाती है जो पे करना कंपलसरी है, ये सभी टैक्स का ही पार्ट है। बस ये पर ध्यान दो। सर फिर कस्टम क्यों नहीं है टैक्स? क्योंकि कस्टम ड्यूटी है मेरे बच्चे, क्योंकि कस्टम जो है, मैंने कहा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, तो ड्यूटीज जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, और जो टैक्सेस होते हैं वो नॉर्मली इनकम पे लगते हैं, गुड्स पे लगते हैं और सर्विसेज पे लगते हैं। जी क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो अब एक बार यहां पे लिखते हैं, पहले हेडिंग डाल लो जी, यहां पे सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहां पे हेडिंग डाल लो, सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहां पे हेडिंग डाल लो जी, और यहां पे सबसे पहला लिखो मीनिंग ऑफ टैक्स, जल्दी लिखो फटाफट से जी, मीनिंग ऑफ टैक्स। सर फिर दोनों में क्या फर्क है? मेरा बापू, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, आ जा मेरे बच्चा इधर आ, जब मैं बता रहा हूं कि दोनों में यही फर्क है मेरे बाबू, कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते हैं मेनली, या मैन्युफैक्चरिंग पे लगते हैं, टैक्स इनकम पे लगता है, गुड्स पे लगता है या सर्विस पे लगता है। टैक्स एक वाइड टर्म है और ड्यूटी उसका एक पार्ट है, तो हम स्टार्टिंग से ही कस्टम को ड्यूटी कहते हैं, इसलिए आज भी ड्यूटी कहते हैं। जीएसटी अभी नया नया इंसर्ट किया तो गवर्नमेंट इसको स्टार्टिंग से टैक्स का नाम दे दिया, तो टैक्स मतलब एक बहुत वाइड टर्म है, जो देना कंपलसरी है एज पर लो, उसको हम टैक्स बोलते हैं जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से लिख लो टैक्स का मतलब क्या। देखो जी यहां पे, हाँ जी, अब जिसने अर्ली बर्ड बैच में लिखा है वो यहां नहीं लिखेगा जी, ठीक है? तो देखो यहां पे टैक्स का ओरिजन जो हुआ वो एक लैटिन वर्ड टैक्सो है, वहां से ओरिजन हुआ, और मनी जो अब देनी पड़ती है गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, ताकि वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके। आप सब जानते हो आज हम जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हमें बदले में क्या प्रोवाइड कर रही है? पब्लिक सर्विस हो गया, मेट्रोज, हाईवेज, ब्रिज, रोडवेज, ठीक है, रेलवेज, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे कंपलसरी तो हैं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेकर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको हम टैक्स में कवर करेंगे। बस ये बात ध्यान देना जी। हाँ बिल्कुल कुशाल, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जी। डन, लिख लिया जी? हाँ ये लिखना है भाई, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है। नहीं मतलब श्लोक कह रहा है सर आपने जो अर्ली बर्ड बैच में लिखवाया था आज वही लिखवा रहे हो? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा, थोड़ा बहुत सेम होगा जी, मतलब मिक्सअप होगा, मैं ऐसे में कुछ बता नहीं सकता आपको, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग होगा, तो देखते हैं बीच बीच में क्या होगा जी। सर पेपर में थ्योरी कितने नंबर की आती है? जीएसटी में ज्यादा आती है, इनकम टैक्स में बहुत कम आती है जी। अगर मान लो जीएसटी 50 नंबर का है, तो मान लो 20 से लेके 25 नंबर तक की थ्योरी आएगी, इवन 30 नंबर तक की भी थ्योरी आ जाती है। और अगर इनकम टैक्स 50 नंबर का है, तो 45 नंबर तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर की थ्योरी आएगी।
डन। चलो अब यहां पे ये तो हो गया टैक्स का मतलब। अब मेरे को सारे बच्चे एक बार लास्ट टाइम बोल दो, क्या पेमेंट करना कंपलसरी ऑप्शनल है? सारे बच्चे बताओ क्या पेमेंट करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, जल्दी बता दो फटाफट से। क्या पेमेंट करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? क्या जी कंपलसरी। अच्छा जो पेमेंट करना कंपलसरी है क्या अपनी मर्जी से या किसी लॉ के बेस पर? किसी लॉ के बेस पर। तो अगर मैं किसी एक्ट के बेस पर कोई पेमेंट कर रहा हूं उसको हम टैक्स में कवर करेंगे और किसी को टैक्स में कवर नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है अब यहां पे आ जाओ, अब लिखो यहां पे सेकंड। आपने अभी क्या लिखा? कॉन्सेप्ट नंबर थ्री लिखा ना, कॉन्सेप्ट नंबर वन आपने लिखा होगा सिलेबस, फिर कॉन्सेप्ट नंबर टू आपने लिखा होगा अमेंडमेंट, फिर कॉन्सेप्ट नंबर थ्री आपने लिखा होगा टैक्स। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर फोर जी, अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर फोर, कॉन्सेप्ट नंबर फोर लिखो जी। अब यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर फोर लिखो, दैट इज मीनिंग ऑफ जीएसटी, मीनिंग ऑफ जीएसटी जी। यहां पे लिखो आर्टिकल नंबर 366 12A, आर्टिकल नंबर 366 12A। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीएसटी का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें जीएसटी स्टार्ट करना है। तो अगर पहले हमें जीएसटी स्टार्ट करना है तो पहले ये बताओ कि जीएसटी का मतलब क्या है। तो लिखो यहां पर जीएसटी का मतलब लिखो, लिखो जी जीएसटी इज अ टैक्स। पहली बात तो जीएसटी एक टैक्स है जी, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेस, विच इज लेविड ऑन, विच इज लेविड ऑन, यहां पे लिखो विच इज लेविड ऑन सप्लाई, विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है जी, विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहोलिक लीकर, एल्कोहोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लो जी ये पूरी जीएसटी की डेफिनेशन है जी, ये हमारी पूरी जीएसटी की डेफिनेशन है। ठीक है ये हमारी पूरी जीएसटी की डेफिनेशन है जो हमने यहां पे लिखी है कि जीएसटी का मतलब क्या होता है जी। एक बार हम सारे बच्चे, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो ओए नालायक, सीधे के बैठो भाई, सोने वाला काम नहीं करना बिल्कुल भी यहां पे ना, बिल्कुल भी नहीं, हद है यार तुम्हारी यार। हाँ नहीं, एक बार सारे के सारे बच्चे, अभी लीकर पे क्यों नहीं, हम सारी बातें करेंगे, लीकर पे क्यों नहीं है, एक बार सारे बच्चे बस मेरे को जीएसटी की डेफिनेशन बोल दें, एक बार सारे के सारे बच्चे जीएसटी की डेफिनेशन बोल दें, जीएसटी की डेफिनेशन क्या लिखी है बताओ जी। सारे बच्चे बोलना स्टार्ट करो फटाफट से, हनी बोलो क्या लिखा है, जीएसटी बोलते रहो फटाफट से, कम ऑन यार क्या लिखा है, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये हमारी जीएसटी की डेफिनेशन निकल के आ रही है। एक बार दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जीएसटी की डेफिनेशन है। एक बार फिर दोबारा से बोलने की कोशिश करते हैं, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये सारी बातें आपकी जीएसटी की निकल के आ रही है। अब ऐसा करते हैं, आज वाली क्लास में हमें कुछ नहीं करना, बस ये डेफिनेशन करनी है। जब ये डेफिनेशन खत्म तो आज वाली क्लास भी खत्म, मतलब जब ये डेफिनेशन खत्म हो जाएगी ना, आज वाली क्लास भी खत्म हो जाएगी। बस ये वाली डेफिनेशन आज अगर हमें समझ में आ गई तो चैप्टर नंबर वन का 20% पोर्शन हमें समझ में आ गया इस डेफिनेशन के अंदर ही।
अब एक बार वन बाय वन यहां पर पढ़ते हैं ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो अर्ली बर्ड बैच में मैंने इतना टाइम लगाया नहीं था, अब मैं पूरा टाइम डिवोट करूंगा इस डेफिनेशन के ऊपर। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सबसे पहला वो कह रहा है कि जीएसटी इज ए टैक्स, मतलब वो ये बात कहना चाह रहा है कि जीएसटी जो है ना, जीएसटी वो एक टैक्स है, एक ड्यूटी नहीं है, पहली बात तो ये। और जैसे इसने बोला कि जीएसटी इज ए टैक्स, तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, तो मतलब जीएसटी देना कंपलसरी है, और वो कंपलसरी पेमेंट जो हमें पे करनी है किसी एक्ट के बेस पर, मतलब जीएसटी पे करने के लिए कोई ना कोई एक्ट भी बना होगा, यह बात भी कंफर्म है। एक बार मैं दोबारा से बोलूंगा, उसने बोला जीएसटी इज अ टैक्स। अब जैसे बोला जीएसटी इज अ टैक्स, तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर जीएसटी एक टैक्स है तो टैक्स देना कंपलसरी है एज पर लॉ, तो मतलब जीएसटी के लिए कोई ना कोई जरूर एक्ट बना होगा, क्योंकि अगर जीएसटी टैक्स है, देना कंपलसरी है, कंपलसरी एज पर लॉ है, तो कोई ना कोई एक्ट जरूर बना होगा जीएसटी के लिए। तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, आज अगर मैं बात करता हूं जीएसटी जो तुम पे करते हो गवर्नमेंट को, आपने बोला सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, जो भी तुम जीएसटी पे कर रहे हो, क्या तुम बता सकते हो इस जीएसटी के लिए कितने एक्ट बने हुए हैं? जी भाई, आज जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, पे करना कंपलसरी है, इसके लिए एक्ट बने हुए हैं, तो जीएसटी के लिए टोटल मिलाकर कितने एक्ट बने पड़े हैं, बस बता दो मेरे कुछ। हाँ जी, जीएसटी के लिए टोटल कितने एक्ट हैं? जीएसटी के लिए टोटल कितने एक्ट हैं, जल्दी बताओ फटाफट से जी। एक एक्ट हो गया, बच्चे कह रहे एक है, एक एक्ट बना हुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, चार एक्ट बने हैं, ग्रेट, 35 एक्ट बने हैं, ओ बल्ले, शाबा शाबा, 37 एक्ट बने हैं, 250 एक्ट बने हैं, ओ कुशाल, मौज मस्ती नहीं करनी यहां पे नालायक। हाँ जी, और बताओ कितने एक्ट बने हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैं कह रहा हूं छागत, तुसी इधर आओ, तू इधर 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 आओ नालायको। 7 साल हो गए जीएसटी को आए, सर कितना घटिया पढ़ाते हो, फिर भी तुम सुन रहे हो, इतना घटिया पढ़ाने के बाद भी, बच्चे हो तो तुम्हारे जैसे हो, मैं होता तो मैं चल जाता बिना बताए ही कि वो घटिया पढ़ा रहा है, तुमने तो फिर भी मुझे बता दिया, मेरे बच्चे तुमने अपने 5 मिनट वेस्ट किए मेरे ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है। इधर सुनो ध्यान से, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रही है कि कई बच्चों ने बोला एक एक्ट है, कई बच्चों ने बोला चार एक्ट है, तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक जीएसटी को लेकर आने के लिए टोटल मिलाकर 35 एक्ट पास हुए हैं, तब जाकर जीएसटी आया है। मतलब सिंगल जीएसटी को, सिंगल जीएसटी को लेकर आने के लिए 35 एक्ट पास हुए हैं, तब जाकर इंडिया में जीएसटी आया, बस एक बात ध्यान दो। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन था 35 एक्ट पास हुए तब जाके एक जीएसटी बना 35 एक्ट। अब बच्चा ये बात कह रहा है 35 एक्ट कैसे यार, चार तो जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, अब ये चार जीएसटी हमारे हैं तो 35 एक्ट कैसे हैं? अब सुनो 35 एक्ट कैसे हैं, एक तो हमारा सीजीएसटी है, एक हमारा सीजीएसटी है, फिर एक हमारा है आईजीएसटी, एक हमारा सीजीएसटी, एक हमारा आईजीएसटी, और तीसरा हमारा फिर यहां पे निकल के आ रहा है एक जो हमारा बने यूटीजीएसटी, एक हमारा यूटी, एक बार दोबारा बोलो, एक सीजीएसटी, एक हमारा यूटीजीएसटी, एक हमारा आईजीएसटी, और 31 हमारे बने एसजीएसटी। आपको जानकारी मैं बता दूं, सारे बच्चे ध्यान सुनना, आज इंडिया में स्टेट कितनी है बताना जी, सारे बच्चे बताओ इंडिया में स्टेट कितनी है जी, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं आप मेरे को सारे बताएंगे इंडिया में स्टेट कितनी है, बताओ, बोलो 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 बोलो, स्टेट कितनी है? 28 स्टेट है, 8 यूटी है। मैं एक बार बता दूं आपको, जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, तो 28 तो हमारी स्टेट है भाई, ठीक है ना, 28 हमारी स्टेट है, ठीक है, 8 हमारी यूटी है। अब इस 8 यूटी के दो टुकड़े होते हैं, जिसमें 5 यूटी अलग होती है, 3 यूटी अलग होती है, ये 3 यूटी होती है विद लेजिस्लेचर, ये 5 यूटी हैं विदाउट लेजिस्लेचर, विद लेजिस्लेचर मतलब जिनकी खुद की असेंबली है, खुद का सीएम है, तो वो विद वाली हैं, और इनके खुद की असेंबली नहीं है, खुद का सीएम नहीं है। अब जो विद लेजिस्लेचर हैं, इन 3 यूटी को ना हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं,
मतलब है ये यूटी, है ये यूटी, बट जीएसटी में मानते हैं स्टेट। अब 3 + 28, 28 + 3, 31 स्टेट ऐसी हैं जो जीएसटी में आती हैं। 28 तो एक्चुअल है, 3 यूटी को भी स्टेट मान लिया, 28 और 3 31, तो हर स्टेट का अपना अपना एक्ट है, 31 एक्ट ही हो गए। तो एक सीजीएसटी, एक यूटी जीएसटी, एक हमारा आईजीएसटी हो गया, 31 हमारे एसजीएसटी हो गए। टोटल काउंटिंग करोगे आपके 34 एक्ट यहां पर बन चुके हैं, मैंने कहा था 35 एक्ट है। फिर इसमें एक एक्ट आपका और ऐड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। एक बार दोबारा बोलो कौन सा, दैट इज जीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। अब इसको मिलाकर 35 एक्ट पास हुए हैं, तब जाके इंडिया में जीएसटी काम करता है। तो आप में से जो बच्चे एक एक्ट लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीएसटी के हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, चलो जी, अप्पा डप्पा जप्पा, अप्पा अप्पा अप्पा। तो सेल खत्म हो गया था जी। माधव मेरे बच्चे वो पॉसिबल नहीं, आपको दिक्कत आएगी उसके अंदर, मेरी तरफ से आप आ सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेटर ये है कि आप सीए वाला एक्सक्लूसिव बैच लो जी, ठीक है जी। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 28 हमारी एक्चुअल स्टेट है और 3 यूटी को हमने क्या मान लिया, स्टेट मान लिया। तो 28 प्लस में 3 कितनी हो गई जी, 31। तो 31 हमारी स्टेट है जिसको हम यहाँ पे एसजीएसटी बोलते हैं, 31 वो हो गए, एक हो गया जीएसटी कंपनसेशन। तो टोटल मिलाकर जो है ना वो 31 एक्ट हुए प्लस में जीएसटी कंपनसेशन, 35 एक्ट पास हुए, तब जाके हमारा जीएसटी यहाँ पर आया जी। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जीएसटी एक टैक्स है, तो समझो जीएसटी एक टैक्स है, मतलब पेमेंट करना कंपलसरी है, क्योंकि टैक्स का मतलब क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट, कंपलसरी पेमेंट अंडर एन लो, और लो हमारे कितने बने हैं, 35 एक्ट पास हुए। अब ये बच्चा ये बात कह रहा है, सर एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो एक सीजीएसटी सेंट्रल, समझ में आ गया, एक आईजीएसटी, आईजीएसटी भी सेंट्रल है, आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बच्चा कह रहा है सीजीएसटी सेंट्रल लेवल एक है, आईजीएसटी सेंट्रल लेवल एक है, ठीक है, एसजीएसटी अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग हो गया 31 समझ में आ गया। और यूटी जीएसटी जो होती है वो सेंट्रल की कंट्रोल में होती है, तो यूटी जीएसटी का भी सिंगल एक्ट हो गया, बात समझ में आ गई। बट ये जीएसटी कंपनसेशन एक्ट क्या है,
यह मैं समझ में नहीं आ रहा कि जो आप कहना चाह रहे हो कि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जैसे एक बच्चे ने भी बोला कि सर कंपनसेशन एक्ट तो डिलीट हो गया ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को गलत नॉलेज है। अरे मैं सही बता रहा हूं सर, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कौन सोशल मीडिया पे क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं है। आजकल यूट्यूब इतना फैल चुका है, आधी इन्फॉर्मेशन तो गलत है और बच्चा वही गलत पढ़ता रहता है जी। अब दिमाग में क्या चल रहा है सर, वो जीएसटी कंपनसेशन तो खत्म हो गया क्योंकि वो तो 5 साल के लिए आया था। अब अगर 5 साल के लिए आया था तो 17 में जीएसटी बने, 17 और 5 22, अभी चल रहा है 24, तो वो खत्म हो चुका होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आज भी है, बट उसका पर्पस चेंज हो गया। तो पहले ये समझो कि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट होता क्या है, ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है सर 31 एसजीएसटी कैसे, मेरे बच्चे 28 स्टेट हैं, 3 यूटी को भी स्टेट मानते हैं, 28 और 3 कितने हो गए 31, तो 31 आपके एसजीएसटी हो गए, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, अब ये जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है क्या वो सुना। जब इंडिया में जीएसटी आना था, ना तो स्टेट गवर्नमेंट की 2 शर्तें थी, राहुल गांधी की 2 शर्तें थी। तो राहुल गांधी ने बोला कि हम देखिए हम जीएसटी लेकर तो आ जाएंगे, बट आपको हमारी 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो फिर मोदी जी ने बोला, मित्रों मैं तुम्हारी 2 शर्तें पूरी तो कर दूं, पर मैं पूरी करना नहीं चाहता। तो राहुल गांधी ने बोला, देखिए हमारी 2 शर्तें, पहली शर्त कि जो अल्कोहलिक लीकर आप जीएसटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो अल्कोहलिक लीकर जीएसटी में नहीं आएगी, क्योंकि शराब स्टेट का मैटर है। मुझे नहीं पता आप में से किसी बच्चे ने शराब की बोतल देखी है नहीं देखी, अगर आपने शराब की बोतल देखी है, थोड़ी सी नजदीक से देखी है, तो वहां पे लिखा होता है ओनली सेल इन हरियाणा, ओनली सेल इन यूपी, ओनली सेल इन पंजाब, क्योंकि शराब स्टेट का मैटर है। तो शराब स्टेट का मैटर है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा वो तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, तुम्हारे पास रेवेन्यू क्यों जाएगा, तो हम इसको जीएसटी में नहीं आने देंगे। तो राहुल गांधी ने बोला, पहली शर्त तो हमारी है कि अल्कोहलिक लीकर पर जीएसटी नहीं लगेगा। और आप सब जानते हो लीकर कितनी बिकती है इंडिया में। भाई साहब मैं कल की बात है, मैं भी ना उज्जैन गया हुआ था, आई थिंक जब इंस्टाग्राम पे हम लाइव आए थे, तेजस सर अगर आप में से कई बच्चे उस टाइम लाइव हो, तो तेजस सर ने जब इंस्टाग्राम पे लाइव किया तो मैं इंदौर से वापस आ रहा था, अभी मैं कल परसों इंदौर था, तो इंदौर के बाद हम उज्जैन गए। तो उज्जैन में ना वहां पर महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है और वहां पर काल भैरव का मंदिर भी है। और जो काल भैरव का मंदिर है ना, तो काल भैरव के मंदिर में ना शराब चढ़ती है, काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ती है। तो अब शराब तो क्या ही चढ़नी है, लोगों को खुद मजे, मतलब लोगों को लगता है कि हमें तो पीनी है, वहां से प्रसाद मिलेगा हम पी लेंगे जी। आप यकीन मानना, हर एक कि जो वो प्रसाद की टोकरी होती है सब में शराब पड़ी थी। मैंने कहा वहां पूरी चढ़ाओगे, कह रहे नहीं 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 वहां तो बस एक घुट का भोग लगा देंगे, बाकी तो हमें भोग लगाना है। और कोई बुरा भी नहीं मानेगा, हम तो कह देंगे प्रसाद था जी, हमने पी लिया, काल भैरव का प्रसाद था, हमने पी लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो वहां पर लोग भाई साहब कोई बियर की बोतल चढ़ा के, मतलब प्रसाद लगा के आ रहा है, कोई भाई साहब ब्लेंडर प्राइड, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें भाई साहब भोग लग रही हैं। और भोग तो काल भैरव तो क्या ही पियेंगे, हमें जरूर पीनी होती है जी। तो खुद बताओ, शराब बहुत कॉस्टली बिकती है। और जब जब सिंपल सी बात यह है कि जब जब कोविड ओपन हुआ, तो कोविड में सबसे पहले दुकानें कौन सी ओपन हुई बताओ, जब कोविड ओपन हुआ तो कोविड में सबसे पहले दुकानें कौन सी ओपन हुई, शराब की दुकानें तो ओपन हुई, सबसे पहले शराब की दुकानें खुली। अब जब सबसे पहले शराब की दुकानें खुली भाई साहब, 60 साल की आंटी, 65 साल की आंटी की एक रील वायरल हुई, 65 साल की आंटी को वो मीडिया वाले कह रहे हैं उसे शराब की बोतल यहां पर रख रखी थी। अब शराब की बोतल यहां पर रख रखी, मीडिया वाले ने बोला माता जी ये शराब की बोतल कहां लेके जा रही है, अरे बेटे इसने तो बचा रखा है, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, 2 पैग लगाऊंगी जब तक कोरोना सही हो जाएगा, कोरोना मर जाएगा अंदर ही बेटे, ये वैक्सीन से कोरोना खत्म नहीं होगा, ये शराब से कोरोना खत्म होगा। ये भाई साहब 65 साल की एक औरत कह रही है, बताओ औरत कह रही है 2 पैग लगाएगी कोरोना साफ। तो खुद बताओ शराब का रिवेन्यू कितना ज्यादा है,
तो भाई लोग गम है चाहे खुशी है शराब तो पीते ही हैं, तो स्टेट ने कहा सिंपल सी बात है भाई शराब तो हमारे पास रहेगी, शराब का रिवेन्यू हम एलोकेट नहीं करेंगे, इसलिए पहली हमारी शर्त यह है कि एल्कोहलिक लीकर को जीएसटी से बाहर निकाला जाए, लीकर पर कोई भी जीएसटी ना लगाया जाए। चलो मोदी जी ने फिर अपना कहा कि मित्रों मैं देख के तुम्हें बता दूंगा कि शराब पर भी जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो अपनी दूसरी शर्त बता। तो राहुल गांधी ने बोला कि देखिए देखिए दूसरी शर्त हमारी यह है कि जीएसटी आने से अगर हमें नुकसान हो गया तो हमें कंपनसेट कौन करेगा, अगर हमें जीएसटी आने से नुकसान हो गया तो हमें कंपनसेट कौन करेगा। भाई कल तुम जीएसटी लेके आ जाओगे, अब अगर कल तुम जीएसटी लेके आओगे और अगर बाई चांस अगर नुकसान हो गया तो हमें कौन कंपनसेट करेगा। तो मोदी जी ने बोला मित्र नुकसान तो मुझे भी हो सकता है क्योंकि टैक्सेस तो हमारे भी खत्म हो रहे हैं, तो नुकसान तो मित्र हमें भी हो सकता है। तो राहुल गांधी ने बोला मित्र नहीं मित्रों, उसने बोला हाँ मित्रों। तो उसने कहा एक बात बताओ, तुम्हें नुकसान तो हो जाएगा ठीक है, बट तुम्हारे पास तो इनकम टैक्स भी है, तुम्हारे पास तो कस्टम ड्यूटी भी है, हमारे पास तो वह है ही नहीं। अब अगर हमारे पास नहीं है तो कल हमें नुकसान होगा तो हमें कंपनसेट कौन करेगा। तो मोदी जी ने फिर बोला मित्रों हम देख के बताएंगे, ये दोनों शर्तें बहुत बड़ी हैं, ये छोटी मोटी शर्तें नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। चलो जी अब ये दो शर्तें उन्होंने रखी। उस टाइम देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर हम नाम सुनाओ अरुण जेटली जी। अब अरुण जेटली जी जो है ना, अरुण जेटली जी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अरुण जेटली जी ने कहा जी लीकर की बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लीकर स्टेट का मैटर है, लीकर सेंट्रल का मैटर ही नहीं है, तो लीकर पर तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीकर पर हम जीएसटी एप्लीकेबल भी नहीं कर सकते, तो लीकर तो हम यहां से बाहर निकाल देंगे, तो लीकर वाली शर्त की दिक्कत नहीं है, लीकर हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि लीकर अभी तक भी स्टेट का था तो बाद में भी स्टेट का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीकर को हम जीएसटी से बाहर निकाल देंगे। दूसरी शर्त जो है ना वो दिक्कत वाली बात है। तो जेटली जी ने बोला जी मानेंगे तो वो है नहीं, और बात उनकी भी सही है कि हमारे पास तो इनकम टैक्स भी है कस्टम भी है, उनके पास तो रिवेन्यू कहां से आएगा। अगर मान लो जीएसटी आने से, देखो जीएसटी आने से पहले 17 टैक्सेस थे, मतलब 17 तरह के टैक्सेस अलग अलग थे, जिसमें से 9 सेंट्रल लेवल के थे 8 स्टेट लेवल के थे। अब जो 8 स्टेट लेवल के थे तो किसके खत्म हो रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमारे 8 टैक्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद जीएसटी आ रहा है, हमें क्या पता फायदा होगा नुकसान होगा। तो जेटली जी ने कहा चलो मेरे को टाइम दो मैं सोचता हूं। अब जेटली जी ने सोचा, नेक्स्ट डे मोदी जी को बुलाया, मोदी जी को बोला कि जाओ राहुल गांधी को जाके बोल दो कि हम तुम्हारी दोनों शर्तें मानने को तैयार हैं, लीकर जीएसटी से बाहर हो जाएगी और हम तुम्हें कंपनसेट भी करेंगे। तो मोदी जी ने जेटली जी को बोला मित्र 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 बता तो ये तूने कैसे सोचा, हमें तो बता। अगर मान ले वो सामने राहुल गांधी मुझसे पूछेगा कि भैया ये क्या मतलब कैसे तुम हमें कंपनसेट करोगे, तो मैं रिप्लाई क्या करूंगा। तो जेटली जी ने कहा जी मैंने सोच लिया है, देश के जितने भी नशेड़ी हैं मैं सबको पकड़ लूंगा, देश के जितने भी नशेड़ी हैं सबको पकड़ लूंगा, जो नशे की आइटम होती है पान मसाला टबैको, इन पर मैं सेस एप्लीकेबल कर दूंगा, दैट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस। जो भी लग्जरी आइटम्स होती हैं उन पर भी सेस लगा दूंगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो उस टाइम एक और एक्ट का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, और ये एक्ट बनाया गया फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, किस लिए, कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए जो यहां से पैसा आएगा वो सारा पैसा हम कंपनसेट करने में यूज कर लेंगे, इसलिए गवर्नमेंट कहती है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। तो फाइनली इस तरह से हमारा एक्ट बना, तो टोटल मिला के आपके 35 एक्ट हैं। अब 35 कैसे, दोबारा बोलो सारे बच्चे, है नहीं? माना बहुत जल्दी आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। यार विक्की 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 बार बार तुम विक्की कर रहे हो, विक्की कौन है भाई, ये कोई नई रील वायरल हुई है क्या, विक्की विक्की कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कई बच्चों को, कोई नई रील वील वायरल हुई है क्या, विक्की कर रहे हो बार बार, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है जी, तो मैं बताओ 35 एक्ट समझ में आ गए,
जल्दी बोलो 35 एक्ट कैसे हो गया जी, एक सीजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक कौन सा हो गया आईजीएसटी, एक कौन सा हो गया यूटीएसटी, एक कौन सा हो गया और 31 कौन से हो गए एसजीएसटी, और एक कौन सा हो गया जीएसटी कंपनसेशन। तो टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं, तब जाके जीएसटी बनेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो अब ऐसा करो सर, डू यू बिलीव जीएसटी इज गुड मूव? हाँ देखो डिपेंड करता है यार, देखो छोटे मोटे बिजनेसमैन को दिक्कत आ रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए अच्छा है जी, सिंपल सी रीजन है वो सीएम। ठीक है चलो, अब ऐसा करो, अब यहां पे आप लिखो फर्स्ट लाइन जो आपने लिखी है, जीएसटी इज ए टैक्स, तो टैक्स के ऊपर एक स्टार बनाओ, टैक्स के ऊपर एक स्टार बनाओ और इस स्टार को डिफाइन करो नीचे या ऊपर कहीं पर भी, जहां भी स्पेस है आपके पास लिखो जी। इट मीन्स जीएसटी पेमेंट इज कंपल्सरी जी, इट मीन्स जीएसटी पेमेंट इज कंपल्सरी अंडर एन एक्ट। ठीक है, इट मीन्स जीएसटी पेमेंट इज कंपल्सरी, जीएसटी पेमेंट करना कंपल्सरी अंडर एन एक्ट। अब यहां पे अंडर एन एक्ट में लिखो, यहां पे लिखो जी टोटल नंबर्स ऑफ एक्ट फॉर जीएसटी इज इक्वल टू 35। टोटल 35 एक्ट है हमारे जीएसटी के लिए, बस ये पर ध्यान दो जी। नहीं नहीं कुशाल, अल्कोहल पे कोई सेस नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा भाई अल्कोहल पे है, अल्कोहल तो जीएसटी से पूरी बाहर है, अल्कोहल पे तो जो पुराने टैक्सेस थे ओल्ड टैक्सेस वही एप्लीकेबल होते हैं। मैंने क्या बोला, सीन आइटम, पान मसाला पे, सिगरेट पे, टबैको पे, इन पे सेस है, लग्जरी गाड़ियों पे, इन पे सेस है, लीकर पे तो जो पहले टैक्सेस एप्लीकेबल थे वही टैक्सेस लीकर पे अभी भी एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, अब ये 35 एक्ट कैसे कैसे बने हैं जी, आप यहां लिखो एक सीजीएसटी एक्ट 2017, फिर एक हो गया आपका 2017, एक हो गया आईजीएसटी एक्ट 2017, 31 आपके हो गए स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और एक हमारा हो गया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। तो टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए जी। ठीक है जी, टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए, तब जाके इंडिया में जीएसटी बना है, बस ये पर ध्यान दो। तो 35 एक्ट पास होने के बाद तब जाके हमारे इंडिया में जीएसटी आया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो पहली लाइन अब जाके हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, फर्स्ट लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है, तो फर्स्ट लाइन में गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रहा है कि जीएसटी जो है वो एक टैक्स है, और टैक्स मींस आपको मैंने बता दिया, और कितने एक्ट पास हुए हैं वो सारी की सारी बातें हम यहां पे देख चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर हो गया नहीं? अब बताओ एक लाइन का मीनिंग समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लाइन पर आओ। अब नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं कि जीएसटी इज ए टैक्स, हां जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई। अब सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड ये निकल कह रहा है कि विच इज लेविड ऑन सप्लाई, मतलब जीएसटी जो है ना वो सप्लाई पर लगेगा, लेविड ऑन सप्लाई। तो क्वेश्चन ये है कि जीएसटी सप्लाई पर लगेगा, तो सप्लाई का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट कह रही है हमने इसको डिफाइन किया है जीएसटी में सेक्शन नंबर 7 में और सेक्शन नंबर 8 में कि सप्लाई का मतलब क्या है। बट मैं तुमसे एक बेसिक सी बात पूछता हूं, एक बेसिक सी बात पूछता हूं, जो मैं तुम्हें यहां पे क्लास दे रहा हूं, तुम जब मुझे फीस पे की है, क्या ये मेरा तुम्हें पढ़ाना और तुम्हारा बदले में फीस पे करना क्या सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आप चेक करो तो मेरी फीस में जीएसटी भी तो है। तो सिंपल सी बात, अगर आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो और बदले में कंसीडरेशन है ना, तो 90% केस में वो काम सप्लाई बन जाता है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं सेल नहीं कह रहा, सर्विस नहीं कह रहा, सेल पर जीएसटी है इसलिए नहीं कि वो सेल है, इसलिए कि सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी।
सर्विस पर जीएसटी है इसलिए नहीं कि वो सर्विस है, सर्विस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी। तो जो जो चीजें सप्लाई में कवर होती रहेंगी उन उन पे जीएसटी लगता रहेगा, जो जो चीजें सप्लाई में कवर नहीं होंगी उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, बस एक बार ध्यान दो। तो सप्लाई इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन अंडर जीएसटी, ये सप्लाई में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जी समझ में आ रही है? तो जहां पे सप्लाई वर्ड है उसके ऊपर डबल स्टार बनाओ या हैशटैग बना लो, ठीक है, सप्लाई वर्ड पर हैशटैग बनाओ और यहां पे लिखो जी, हैशटैग बनाने के बाद लिखो सप्लाई डिफाइन, सप्लाई डिफाइन अंडर सेक्शन 7 और 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जी, ठीक है जी। सप्लाई जो है वो सेक्शन नंबर 7 और 8 में है, बस ये पर ध्यान दो जी। तो सेक्शन नंबर 7 जब हम डिस्कस करेंगे, 8 जब हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, तो वहां हम चेक करेंगे सप्लाई का मतलब क्या है। सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे टेक्निकल चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे बढ़िया चैप्टर है। सप्लाई में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो सप्लाई किसे कहते हैं वो डिफाइन है सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 जो हम सीजीएसटी में डिस्कस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब जीएसटी जो है वो सप्लाई पर लगेगा। अब सप्लाई किसकी, सप्लाई किसकी, तो उसने बोला ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब अगर मैंने गुड्स की सप्लाई की है जी, अगर मैंने गुड्स की सप्लाई की है, सर सैनिटाइजर में अल्कोहल है तो वो भी एग्जम्प्ट है। भाई सुनो मेरी बात यार, सैनिटाइजर पी सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जिसमें लीकर कंटेंट है उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसे तो परफ्यूम में भी लीकर होता है, परफ्यूम में भी लीकर होता है। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भाई, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, बात मेरी समझ पा रहे हो, जो प्योर लीकर होता है, प्योर लीकर जो कंटेंट है, बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गया, ये उसकी बात कर रहे हैं। जो प्योर लीकर कंटेंट है उस पे नहीं है, जिसमें भी लीकर कंटेंट तुम्हारा मिक्स है, जिस प्रोडक्ट के अंदर लीकर कंटेंट मिक्स है उसमें जीएसटी की बातें हो सकती है, बस ये बात ध्यान दो। मेडिसिन, तो मेडिसिन के अंदर भी लीकर है, मेडिसिन हो गया, कफ सिरप हो गया, उसके अंदर भी लीकर कंटेंट होता है। आर परफ्यूम है, डीओ है, इसके अंदर लीकर कंटेंट है, चॉकलेट में लीकर कंटेंट है, बताओ। आ तो मल्टीपल आइटम्स में लीकर कंटेंट है, तो उस पर गवर्नमेंट यह बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट यह बात कहना चाह रही है जो लीकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है, तो प्योर लीकर कंटेंट होती है, उस पर जीएसटी बाहर करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो फटाफट से आओ यहां पर। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो किसकी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, बताओ जी जल्दी। हेलो भाई साहब, ओए क्या क्या है, ब्रेक ब्रेक दे दूं, ब्रेक दे दूं ना, ब्रेक मांग रहे हो, दे दूंगा अभी, बस ब्रेक होने वाला आपका। नहीं अभी तुम्हें 2 घंटे भी सामने बैठे नहीं हुए, 2 घंटे में थक गए क्या? तो फिर दोपहर को क्लास होती है, तो दोपहर को ही होगी क्लास, नींद भी दोपहर को आती है। अच्छा मार खा लोगे मेरे से, तुम ध्यान से रखना ना लायको। हाँ नहीं, अब मेरे को यहां बताओ, मेरा पूरी क्लास से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है कि जो सप्लाई होगी वो किसकी होगी, सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की, और सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा जी, ठीक है ना। सप्लाई जो है वो गुड्स और सर्विस की है, तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो सबसे मेन मुद्दा ये भी है कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या है, सर्विस की डेफिनेशन में क्या आएगा, फिर गुड्स और सर्विस में क्या नहीं आएगा, क्योंकि जो गुड्स और सर्विस में आएगा उसकी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, जो गुड्स सर्विस में नहीं आएगा उसकी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा जी। तो गुड्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 52 ऑफ सीजीएसटी में, सर्विस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। तो गुड्स और सर्विस को अलग अलग डिफाइन किया गया, उसके बेस पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे आप एक स्टार बना लो या डबल स्टार बना लो, ठीक है जी। अब यहां पे लिखो गुड्स को कहां पर डिफाइन किया गया जी, लिखो यहां पर नीचे गुड्स
डिफाइन अंडर सेक्शन टू क्लोज नंबर 52 कुछ सेक्शंस लर्न करने जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मैं तुम्हें अभी लिखवा रहा हूं ये सेक्शंस लर्न करने हैं। सर्विसेज डिफाइन अंडर सेक्शन 2102 सेक्शन 2102 इसमें सर्विस को डिफाइन किया हुआ है। तो गुड्स डिफाइन है सेक्शन 252 में और सर्विस डिफाइन है 2102 में। ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें यही डेफिनेशन नहीं पता तो हमें पता ही नहीं गुड्स और सर्विस में क्या आएगा, और अगर हमें यही नहीं पता कि गुड्स और सर्विस में क्या आएगा तो जीएसटी एप्लीकेबल कैसे होगा वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि गुड्स और सर्विस में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। तो वो सारी की सारी बातें गुड्स के लिए 252 में है और सर्विस 2102 में है। इसके बाद दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या गुड्स बनेगा और क्या सर्विस बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो मेरे को सारे बच्चे बोल दो। हाँ जी, हेलो भाई साहब, सीधो के बैठ। हाँ, ये दोनों सीजीएसटी के हैं जी, ये दोनों सीजीएसटी के हैं। सीधो के बैठ बिल्कुल। हाँ जी, अब बताओ जीएसटी क्या है? ड्यूटी है, टैक्स है। बोल भाई जीएसटी क्या है, जल्दी बोल फटाफट से। जीएसटी क्या है? ड्यूटी है, टैक्स है। टैक्स है किस पे लगेगा? गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उनके क्या होने पर लगेगा? जल्दी बोलो क्या होने पर लगेगा? सप्लाई। तो जीएसटी लगेगा गुड्स और सर्विसेज पे। क्या होने पर लगेगा? सप्लाई होने पर लगेगा। तो अगर मैं किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहा हूं तो उसकी सप्लाई होने पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब गवर्नमेंट ने बोला गुड्स और सर्विस पे लगेगा, तो गुड्स और सर्विस पे तो जीएसटी लगेगा, बट उसने बोला एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब किस पे जीएसटी नहीं लगेगा? तो उसने बोला द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि जो एल्कोहलिक लीकर है, जो शराब है, जो वाइन है, जो विस्की है, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। तो लीकर पे हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। कोई भी लीकर कंटेंट है, विस्की है, बियर है, उस पे कहीं पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो लीकर पे जीएसटी 100% बाहर है। इवन अभी नहीं, कभी भी जीएसटी लीकर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि अगर लीकर पे जीएसटी लगाना है तो संविधान चेंज करना पड़ेगा। संविधान चेंज करना आसान नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। कमाल की बात देखो, इन्होंने लीकर डेफिनेशन से ही बाहर निकलवा दिया कि लीकर पर तो जीएसटी सोचना भी मत। अब एक बच्चे ने सामने कहा था सर पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, बट वो इन्होंने यहां पे नहीं लिखा हुआ। हम आगे रहकर डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन नंबर 9 है, उसमें लिखा है कि आपका पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है और लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है, क्या चीज होती है, वो सारी बातें बात की हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, लीकर पे जीएसटी नहीं है, लीकर पे जीएसटी एज पर दिस आर्टिकल नहीं है, और पेट्रोल पे जीएसटी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, बट जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो पेट्रोल पर भी जीएसटी लग जाएगा जी। बट लीकर पर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लीकर पर अभी नहीं, कभी नहीं, पेट्रोल पर अभी नहीं, बाद में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो पेट्रोल के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉक कर सकता हूं जी? देख लो पक्का पक्का। चलो अब ऐसा करो, जहां पर हम लिखा है एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसके ऊपर भी एक स्टार बना लो जी। इसके ऊपर भी एक स्टार बनाओ और यहां पे लिखो जी परमानेंट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जी, ये परमानेंटली बाहर है जीएसटी के दायरे से। टेम्परेरी आउटसाइड दी परव्यू ऑफ जीएसटी। यहां पे आएंगे आपके पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, ये सब यहां पे आ जाएंगे। ये टेम्परेरी बेस पे बाहर है, परमानेंट बेस पे बाहर नहीं है, ये बात ध्यान देना जी।
ठीक है जी। तो इनको टेम्परेरी बेस पे बाहर किया गया, इनको परमानेंट बेस पे बाहर नहीं किया गया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब कौन बच्चा मुझे जीएसटी की डेफिनेशन बताएगा बताओ? जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एक बार हैंड रेस करें और मुझे बताएं आप में से कौन सा बच्चा मुझे जीएसटी की डेफिनेशन बताएगा कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, पूरी की पूरी जी। हाँ जी, पूरी की पूरी बताओगे? चलो बताओ फिर, फटाफट से बताओ, बिना देखे बताओ। सबसे पहली बात, जीएसटी की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीएसटी की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 366 क्लोज नंबर 12A। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करो, जल्दी लिखना स्टार्ट करो जल्दी। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्वाहा। तो जीएसटी दोबारा बोलो, कमान 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 कमान। जीएसटी इज अ टैक्स, जीएसटी इज अ टैक्स, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई, विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उनको छोड़ के सभी गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगेगा। लीकर पे जीएसटी अभी नहीं, कभी नहीं। पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड हो जाएगी तो पेट्रोल पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हेलो भैया 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 भैया, सुनो ना, आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली अब जाके जीएसटी की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को 1% भी डाउट अगर आ रहा हो मुझसे पूछ सकता है जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। जल्दी बताओ जी, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो मेरे दोस्तों, बोलो कुछ तो, बोलो कुछ तो बोल दो। चलो बहुत बढ़िया जी, कोई डाउट नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब सबसे पहले हमने लिखा टैक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर टैक्स के बाद लिखा जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? हेलो बेबी, सर एक बार 31 दा दो। संजना, ओ मेरी संजना, 28 तो स्टेट है, बोलो। हाँ 28 तो स्टेट है, 5 यूटी है, सॉरी 8 यूटी है। उस 8 यूटी में 3 यूटी ऐसी है जिनको स्टेट मानते हैं, कौन कौन सी? दिल्ली, पौंडेचेरी और जेएनके, ये है यूटी, इनको जीएसटी में स्टेट मानना है। तो 28 तो वैसे ही है, 3 ये है, 28 और 3 कितना हो गया? 31 स्टेट हो गया जी। ठीक है, चलो अब मेरे को सारे बच्चे बोलो जीएसटी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि जीएसटी अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? भाई आप सबने बोला कि जीएसटी जो है, जीएसटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है जी? मैं किस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलूंगा? मैं जीएसटी को आईडीटी बोलता ही क्यों? मैं इसको डीटी क्यों नहीं बोलता? तो जीएसटी आपने बोला इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है जी? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी हुआ, अगर बर्डन किसी दूसरे की जेब पे आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब अगर एक टैक्स मान लो मुझ पे लगा, फॉर एग्जांपल एक टैक्स है मुझ पे लगा, अब अगर टैक्स मुझ पे लगा और बर्डन भी, मतलब मेरे ऊपर बर्डन, ये देखो मेरे ऊपर लोड आ गया, तो इसका लगा मेरे ऊपर और लोड भी मेरे ऊपर है और इसको मैं ही लेके जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा ये इनडायरेक्ट है। इसमें तो बर्डन जो है ना, सॉरी ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर है तो डायरेक्ट है, बट अगर लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर है, मतलब लेवी किसी और पर, बर्डन किसी और पर। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये बोतल है, अब ये बोतल मैं लेके जा रहा हूं, अब अगर ये बोतल का बर्डन भी, ये बोतल का बर्डन भी अगर मेरे ऊपर है तो ये डायरेक्ट है। बट अगर ये बर्डन मैंने आपकी जेब पर शिफ्ट कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला लगा तुझ पर है, बर्डन इसके ऊपर आ गया, तो अब ये इनडायरेक्ट टैक्स बन गया, अब ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है जी। तो सिंपल सी बात ध्यान दो, लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर है फिर वो डायरेक्ट टैक्स है, लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर है फिर वो इनडायरेक्ट है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप ऐसे कौन कौन सा बच्चा कभी खाना होटल वोटल में खाना खाने गया जी? जल्दी बताओ,
कौन कौन सा बच्चा कभी होटल में खाना खाने के लिए गया, जल्दी बता दो फटाफट से जी। कभी होटल, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा हट, कहीं पर भी खाना खाने गया, जल्दी बताओ। सब गए हो? अच्छा, उसके बिल में क्या लगा होता है? जीएसटी। अब सोच के बताना, होटल मेरे को खाना तुम्हें दे रहे हैं, वो तुम्हें सर्विस दे रहे हैं, अब उनकी सर्विस पर गवर्नमेंट ने क्या लगाया? जीएसटी। बट क्या होटल वाले अपनी जेब से जीएसटी पे करते हैं? मेरे को कान में बताना, मुझे कान के अंदर बताओ, क्या होटल वाले अपनी जेब से जीएसटी पे करते हैं? नहीं ना। उसमें होता क्या है, लगता किसी पर है, बर्डन किसी पर होता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। लगा होटल वाले पर, होटल ने क्या किया, कस्टमर की जेब में हाथ डाला, वहां से पैसे निकाले, फिर पे किया गवर्नमेंट को, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट है, लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट है, बस ये पर ध्यान दो जी। तो बात समझ में आ रही है? तो अब लिखो अगला कॉन्सेप्ट जी, यहां पे लिखो, ये पॉइंट नंबर 4 था ना, अब लिखो पॉइंट नंबर 5। इसका जाते इंडेक्स बना लेना जी, कॉन्सेप्ट वाइज इंडेक्स बनाना जी, ठीक है? कॉन्सेप्ट वाइज इंडेक्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा आपका। अब लिखो यहां पे जी, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। सर अगर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अल्कोहल खरीद रहे हैं, नहीं लगेगा जी, जीएसटी नहीं लगेगा जी, ठीक है? जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पे लिखो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक बॉक्स बनाओ और डिफाइन करो, लिखो यहां पे जी इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन, मतलब जिस पर्सन पे लेवी हुआ, विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड बच्चा कह रहा है लैग आ गया क्या? नहीं नहीं लैग नहीं आया, एंड बोलते हैं ऐसे, एंड है क्या कह रहे हो ना, लैग बच्चा कह रहा है ऐसा, ऐसा भैंस नहीं बोलती ओ भाई, वो भी एंड ही बोलती है, ध्यान सुनना, वो भैंस नहीं होती, वो एंड बोलती है। तो वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन अदर पर्सन, अदर पर्सन लाइक कस्टमर, ठीक है जी? तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड द बर्डन जो है वो फॉल्स ऑन अदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन पे अगर बर्डन आएगा, लेवी आप पे, बर्डन किसी और पर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो यहां पे लिखो क्रक्स, लेवी एंड बर्डन, हाँ जी, लेवी एंड बर्डन, अगर ये दोनों सेम पर्सन पर है या ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट पर्सन पर है। अब अगर सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स है, और अगर डिफरेंट पर्सन पर है तो वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? हाँ जी, डन। लॉक कर दें जी, बोलो 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 बोलो, क्लियर? तो अगर बर्डन जो है लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट है, और अगर लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर है तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। अच्छा, बर्डन का मतलब, बर्डन मतलब जिसकी जेब से पैसा कट रहा है, मतलब बर्डन मतलब जोर, कि किसकी जेब पर उसका बर्डन आ रहा है, मतलब किसकी जेब से पैसा कट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अब ये मेरी जेब में, फॉर एग्जांपल मान लो ये 100 रुपए का नोट है, अब ये 100 रुपए का नोट है, अब गवर्नमेंट इससे लगा मुझ पर और
बर्डन भी मेरी जेब पर आ रहा है, मतलब मेरी जेब 100 रुपए जा रहे हैं और ये 100 रुपए मैं कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर पा रहा, तो ये डायरेक्ट है। बट गया मेरी जेब से, इसका बर्डन मैंने कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया, उनसे मैंने 100 रुपए निकाल लिए, तो लेवी किसी और पर और बर्डन किसी और पर, दैट इज इनडायरेक्ट। तो सिंपल सी बात, अगर दोनों सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट है, अगर दोनों डिफरेंट पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट है। बस ये पर ध्यान देना जी, क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो अब यहां पे एक अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें हेडिंग डलवा रहा हूं, बस आज हेडिंग डलवा रहा हूं और उसको मार्क करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 5। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखो जी, लिखो फीचर्स ऑफ जीएसटी, फीचर्स ऑफ जीएसटी ओब्लिक बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, ठीक है नी, फीचर्स ऑफ जीएसटी या बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं, तो जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं या जीएसटी की बैकग्राउंड क्या क्या है, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं क्लास यहीं पर पैक करता हूं आपकी जी, ठीक है? अभी जब तक YouTube पे क्लास है तो हम लेके चलेंगे इसको अपनी वही, मतलब 2.5 घंटे 2.5 घंटे, कभी लगा तो मैं 3 घंटे की भी ले लूंगा, बट जैसे 5 क्लास आपके YouTube पे होंगे, आई थिंक तेजस सर ने आपको बताया होगा, तो तेजस सर या दीपिका मैम या आईडी सर ने आपको बताया होगा, पहली 5 या 6 क्लास हमारी YouTube पे डेमो क्लास होंगी, मतलब ये डेमो नहीं है, डेमो तो ऑलरेडी हमने अर्ली बट बैच के अंदर ले ही लिया था, बट कई बच्चों को देखना होता है कि गाबा सर कैसा पढ़ाएंगे, पहले अच्छा पढ़ाएंगे बाद में पढ़ाएंगे, मतलब होता है कि भाई हमें एक बार डेमो देखना, तो अच्छी बात भी है, ठीक है जी? तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, आपने कमेंट जरूर करने हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट आपको नहीं पता बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और आप तो मेरी फैमिली का पार्ट बन चुके हो, तो मेरी बात मानोगे होपफुली। लाइक जरूर करने, हर बच्चे ने कमेंट जरूर करने की सेशन तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारी नॉलेज जो तुम्हारी सेशन से पहले थी जो सेशन के बाद है, क्या वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई, तुम्हें कई सारी नई बातें पता लगी नहीं पता लगी, और हर सेशन में तुम्हें ऐसी बातें पता लगेंगी, और नेक्स्ट क्लास का तुम्हें इंतजार होगा, मुझे इतना बात है जी। नहीं नहीं कुशल, ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब वो नहीं, लीकर की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, मेडिसिन में सिर्फ लीकर नहीं होता ना, और भी चीजें होती, वो सिर्फ प्योर लीकर की बात कर रहे हैं, प्योर लीकर की, प्योर लीकर पे जीएसटी नहीं है जी। आराम से भाई 70-75 मार्क्स आराम से आएंगे अगर तुम मेहनत करोगे जी, ठीक है जी? चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल वाली क्लास में, सेम टाइम 2:30, ठीक है? सेम मिलेंगे कल 2:30 बजे सेम जगह पर यूट्यूब लाइव। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जिस इस बच्चे ने लाइक नहीं किया लाइक करेगा, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करेगा, बुक्स आपके पास पहुंच जाएंगी, टोटल 4 बुक्स आपके पास पहुंचेंगी, 2 होंगी डीटी की, 2 होंगी जीएसटी की, ठीक है? और 4 बुक्स में क्वेश्चंस बीच में इंक्लूड होंगे, उनके अलावा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन मांगा पीडीएफ अलग से दूंगा, तो भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।